यू। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। लामा फेरा, आप लोग सब यहाँ आए हैं लामा फेरा के बारे में या तो कुछ जानने के लिए या ऑलरेडी कुछ कुछ जानते हैं। तो आप में से जो नए आए हैं, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगी कि लामा फेरा आपके हिसाब से क्या है और आप क्या क्या इंक्विस्टिक है इसके बारे में जानने के। आप में से जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनमें से कोई अपनी इंसाइट्स शेयर करना चाहेगा लामा फेरा के बारे में, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एनीवन? नो? सब जानना चाहते हैं कि लामा फेरा है क्या। तो चलिए आज हम लामा फेरा को डिटेल में आपको बताते हैं कि लामा फेरा है क्या। लामा फेरा दो शब्दों से बना हुआ एक हीलिंग मोडालिटी है, वो है लामा और फेरा। लामास को तो आप लोगों ने सबने देखा होगा, तिब्बत में है, हिमालयाज में है, जिस तरह की मैंने रोब पहनी हुई है, इस तरह के रोब पहने होते हैं, माला पहने होते हैं, आप लोगों ने उनको तो देखा होगा। हाथ में वो होता है, एक राउंड कलर का है उनका, एक वो रहता है अपैरेटस कहें या उसको इंस्ट्रूमेंट कहें, जो वो बजाते रहते हैं, है ना। लामास को तो सब जानते, लेकिन लामास वो बने कैसे, वो भी तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। लामा वो बने बुद्धा की फिलॉसफी को फॉलो कर कर। अब बुद्धा की फिलॉसफी क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप सभी लोगों ने लॉर्ड बुद्धा की कहानी तो सुनी होगी, बहुत लोगों ने सुनी है, और अगर कुछ को नहीं पता है तो मैं 2 मिनट में थोड़ा सा उनके बारे में जरूर बताऊंगी, क्योंकि भगवान के बारे में थोड़ा सा इंसाइट होना बहुत जरूरी है किसी भी मोडालिटी को शुरू करने से पहले। तो लॉर्ड बुद्धा एक प्रिंस सिद्धार्थ के नाम से जन्मे थे लुम्बिनी में। वहां पर उन्हें जब पैदा हुए तो आकाशवाणी हुई, जो जिसे हम योग माया भी कहते हैं, योग माया आकाशवाणी भी है, कि ये जो बच्चा है ये विरक्त हो जाएगा सब चीजों से और ये सन्यासी रहेगा और एक स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर रहेगा। तो राजा डर गए, उन्होंने उसको हर तरह जाने से मना कर दिया, कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है, घर में मतलब महल में, चार दीवारी में, वहां उनको सारी फैसिलिटीज थी, पढ़ाई शिक्षा सब वहीं हुई। जब थोड़े बड़े हुए तो शादी करा दी गई कि अब कहाँ जाएगा लड़का, शादी हो गई है, फिर बच्चा हो गया। उसके बाद उनका एक दोस्त कहें या सारथी कहें, जिसका नाम था आनंद, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि अब बड़े हो गए हैं, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, आप इन्हें अपना राज्य घुमा लाए। तो जब वो घुमाने ले गए, और उन्हें इंस्ट्रक्शन ये भी था कि उनको कुछ भी दुख की चीज नहीं दिखाई जाए कहीं पर भी, लेकिन जिसकी डेस्टिनी में जो होता है वो उसे मिलके रहता है, राइट। तो बस वो वहां गए और उन्होंने देखा आसपास सब, और पहले उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखा, एक मरा हुआ आदमी दिखा, एक बीमार आदमी दिखा और एक सन्यासी दिखा। तो उन्होंने आनंद से सब इन चीज इनके बारे में पूछना शुरू करा। आनंद ने गोलमोल जवाब दिए, उन्हें थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहा, मजा नहीं आया, बट वो सन्यासी को देखकर उन्होंने कहा ये इससे ना भगवान प्राप्त होते हैं और ये सन्यासी जो है वो ध्यान में बैठे और इनसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये सब दुख तकलीफों से दूर कर देते हैं लोगों। अब वो चीज सिद्धार्थ के दिमाग में बैठ गई, वो घर आए, उन्होंने भी ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। लोग डिस्टर्ब करते थे घर वाले कि भाई क्या है, क्यों बैठे हो, एंजॉय करो लाइफ, राजा हो, राजकुमार हो। तो उसी रात उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये सब चीजें छोड़ के अब ध्यान करेंगे। ध्यान करते रहे करते रहे, और जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे जो 3 त्रिशक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत एकदम से वरदान दे देते हैं। तो जब लॉर्ड बुद्धा ने, जब सिद्धार्थ ने भक्ति करी, उनकी उनका ध्यान करा, तो वो तीनों प्रसन्न हो गए, आके उन्हें तथास्तु बोल दिया कि भाई तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। अब सिद्धार्थ के तो मन में ये था कि मैं दुनिया का दुख दूर करूं,
उन्होंने उसी को अपना एकमात्र लक्ष्य मान लिया कि भाई मैं अब सबका दुनिया का दुख दूर करूंगा। तो अब इन तीनों को टेंशन आ गई कि भाई अब अगर ये सबका दुख दूर कर देगा तो कैसे काम चलेगा, बैलेंस कैसे होगा अर्थ पर, दुनिया में बैलेंस कैसे होगा। तो वो गए फिर से उनके उसी दोस्त और गुरु के पास जिसका नाम आनंद था, और उसको कहा कि भाई तुम्हारी बात मानता है, तुम जाओ और इसको बताओ कि ऐसा नहीं होता है, बैलेंस बनाने के लिए जिसका जो कर्म है वो उसे भोगना पड़ेगा। आनंद जी गए सिद्धार्थ के पास कि तुम्हें वरदान तो मिल गया है, लेकिन तुम्हें उन्हीं लोगों को का दुख दूर करना है जो तुम्हारे पास आए और अपना दुख दूर करने के लिए कहें कि मेरा दुख दूर करो, उन्हीं की हीलिंग करनी है, उन्हीं को आशीर्वाद देना। तो ठीक है, सिद्धार्थ मान गए क्योंकि उनकी भी बात मान के वो ध्यान में आए थे। अब उन्होंने जो आता उनके पास उसके ही दुख दूर करते, वैसे कुछ नहीं। तो ये है, और उनके फॉलोअर्स बनते चले गए, और वो जो फॉलोअर्स थे जो उनकी बातों को समझ रहे थे, जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि उनकी क्या फिलॉसफी उन्होंने बनाई अपनी लॉर्ड बुद्धा ने, तो वहां पर उनको उसी तरह से वो बोधि ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था जहां पर त्रिशक्ति ने उन्हें वरदान दिया। तो इसीलिए बोधि जो ट्री है वहीं पर उनको एनलाइटमेंट का कहा जाता है, और इसीलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है। अब यहाँ तक की कहानी तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई है कि लॉर्ड बुद्धा को भी रिस्ट्रिक्शंस थे, और शक्तियाँ हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो उसका सही इस्तेमाल कर सकें, और जो लोग आपके पास आते हैं उन्हीं का आप दुख दूर करेंगे। यही लामा फेरा का एक इम्पोर्टेंट लेसन है। अब लामास तो आप लोगों को सबको समझ आ गए, आप लोग प्लीज या तो थम्स अप करके बताएं या अनम्यूट करके मुझे बताएं कि यहाँ तक मैं आपको किसी को कुछ भी पूछना है या कुछ डिस्क्रिप्शन है या कुछ डिसकनेक्शन है तो बताएं, नहीं तो मैं आगे का थोड़ा सा आपको फेरा के बारे में बताती हूँ, फिर हम आगे का की बात शुरू करेंगे। एनीवन? सबको सबको समझ आ गया यहाँ तक कि लामास और बुद्धा की जो स्टोरी है, अब उसे हम कनेक्ट करेंगे। ग्रेट। तो जो अब लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स बने, अब उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान दो। जब गुरु हमारे सामने होते हैं तो हर शिष्य यही कहता है कि हमें ज्ञान दो, हमारा भी पाथ सशक्त हो आपकी तरह, कि आप जिस पाथ पर जा रहे हैं, पथ पर जा रहे हैं, हम भी आपके पीछे पीछे जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेन क्या है, लाइफ की ट्रुथ क्या है, आपको दुख आता है तभी आपको भगवान की याद आती है, यही होता है ना। हम ऐसे भगवान को नहीं याद करेंगे, जब हमें कुछ दुख आएगा, कुछ तकलीफ आती है ना, तो हमें सबसे पहले हे भगवान, ये सबके साथ है। अब दुख आया है तो अब पहले तो ये पता करो कि ये दुख आया कहाँ से, उसका ओरिजिन ढूंढो। अब जब ये आपको पता चल जाए कि ये दुख आया कहाँ से है, अब इस चीज को देखो कि ये जो सफरिंग है इसको खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, अब इस सफरिंग को खत्म करने के कई तरीके होंगे आपके पास। संतोष जी, मैं 1 मिनट में आपका सवाल लेती हूँ। या तो गलत तरीका होगा या सही तरीका होगा, जिसे हम ट्रुथ और कहते हैं कि आप गलत तरीके से भी चीजों को सीखते हैं, और अपने जैसे फास्ट चीजें जाती हैं ना आपकी, उस तरह से। तो अब आपके चॉइस है कि आप किस तरह से अपना दुख कम करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो और ये लास्ट है कि आपने मतलब कौन सा सही तरीका क्या है इस सफरिंग को दूर करने का, वो उनका चौथा ध्येय था। और इस फिलॉसफी को जिन लोगों ने अपने अंदर उतार लिया वो लामाज। फिर उसके बाद उनकी तकनीकें हैं, सब चीजें हैं, तो उसके हिसाब से उनकी बहुत डीप स्टडी होती है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है लामा बनने की, कि फिलॉसफी उनकी आप अपने अंदर उतार। ठीक है, संतोष जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछें अनम्यूट करके। संतोष जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपका हाथ रेज है। हेलो ठीक है, अब हम आगे बढ़े।
अब लॉर्ड बुद्धा ने जब वो भगवान बन गए, फॉलोअर्स हो गए, सब हो गया, अब किस तरह से उनको ये ज्ञान दिया जाए कि इस सच्चाई के पाथ को किस तरह से आप पता कर सकते हो कि हाँ ये सच्चाई का ही पाथ है। तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए, 8 तरीके दिए समझने के इस चीज को। और वो 8 तरीके थे, सबसे पहले जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना और फील करना, ये 5 सेंसेस है, इनके द्वारा आप चीजों को महसूस करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि दुख आपका कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर है। उसके बाद आप इन जो सेंसेस से जो आपको डेटा इकट्ठा हुआ है कि कहाँ से आया है, उसको आप एनालाइज करेंगे। और उन चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप अपने कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको इवेल्युएट करेंगे। ये मैं आपको बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज बता रही हूँ, ऑब्वियसली वो लैंग्वेज कुछ और होगी जो लॉर्ड बुद्ध ने यूज करी होगी। फिर उसके बाद आप उसको कॉन्शियसली अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हम इस चीज को अपने दुख दूर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, और तब जाके आपको बुद्धा ज्ञान होता है, प्रॉपर आप फिलोसफी उनकी समझ पाते। तो इसकी प्रोसेसिंग इस तरह से होती है। अभी लामाज और बुद्धा फिलोसफी, आई होप सो एवरीवन इज क्लियर विद इट। ठीक है, अब हमने लामाज को तो समझ लिया, फेरा क्या है। इसी तरह से एक बार जब लॉर्ड बुद्धा अपने आसन उस पर बैठे थे बोधि ट्री के नीचे, अपने जो वो थे लामाज थे, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको ज्ञान दे रहे थे, तभी एक लेडी आई उनके पास, किसा गौतमी, और उन्होंने बस आके रोना शुरू कर दिया कि मुझे, मेरे पति को जिंदा करो, मेरे बच्चे को जिंदा करो। वो इस दुख में थी कि उनके हस्बैंड और बच्चे की डेथ हो गई थी, और किसी ने उन्हें कहा था कि लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, वो सारे दुख दूर कर देते। अब वो वहां आ तो गई, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो बहुत गिड़गिड़ाई, बहुत रोई, कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। तो लॉर्ड बुद्धा ने फिर उसको कहा तंग होकर कि भाई आप एक काम करो, आप किसी ऐसे घर के चावल ले आओ जहां तक कभी किसी की मौत ना हुई हो, किसी की मृत्यु ना हुई। वो तो उन्हें मिला नहीं कहीं घर, ढूंढती रही, फिर वापस लॉर्ड बुद्धा के पास आई और बोली मुझे ऐसा घर तो मिला नहीं है, तो अब मैं समझ गई हूँ इस सर्कल को, इस व्हील को, लाइफ की व्हील को, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लो। वो भी उन्हें, लॉर्ड बुद्धा को मंजूर नहीं था कि, क्योंकि वहां पर भी सब जो उनके फॉलोअर्स थे वो मेल्स थे, तो एक फीमेल को अपनी शरण में लेना एक बहुत माइंडसेट का चेंज है। वो ठीक है, वो तो है, लॉर्ड है, भगवान है, तो उन्होंने कहा ठीक है। वो मान नहीं रही थी, तो उन्होंने कहा आप लेट जाएं, और उनके आसपास 2.5 चक्कर लिया उन्होंने, फेरा लिया, अपने गले की माला उतारी और उनके आसपास 2.5 चक्कर लिया, सिर से शुरू होकर पैर पर खत्म किया, और अपनी जो माला थी वो उनके हार्ट पर रख, वो एकदम शांत हो गई। अब उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें ये समझ नहीं आया कि ये क्या किया आपने हमारे साथ, तो हमारे तो कभी किया नहीं इस तरह से, ये इनके साथ कैसे किया और क्या किया। तो तब लॉर्ड बुद्धा ने उन्हें कहा कि ये जो 2.5 चक्कर था, ये उनकी सारे सेंसेस को जागृत करने के लिए था, उनकी कुंडलिनी को मैंने जागृत किया, लेकिन हार्ट पर क्यों रखा। अब हार्ट पर रखने का, हृदय पर रखने का रीजन ये था कि अभी उन्हें इस संसार में जीना है, अपने सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, इसीलिए इस माला को मैंने उनके हृदय पे रखा, उनके हार्ट पर रखा। अगर मैं यही माला उनके क्राउन पे रख देता, क्राउन चक्रा पे रख देता, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती और वो इस संसार से मुक्त हो जाते। लेकिन अभी उनके कुछ काम कार्य हैं संसार में बाकी हैं, तो उन्हें वो कर्म तो अपने करने पड़ेंगे, इसलिए उन्हें यहाँ रहना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी जो नॉलेज थी, जो उन्हें ज्ञान दिया उन्होंने, वो उनके हार्ट में आके, हृदय में आके रोक दिया। क्योंकि अगर हम देखें तो जितने भी हमारे दुख दर्द हैं वो हमें हार्ट से ही फील होते हैं, हमारे हार्ट चक्रा से ही हमें सब कुछ फील होता है ना। तो इस तरह से ये फेरा शुरू हुआ, इसी चीज को प्रैक्टिस करते गए। उन्होंने कुछ मंत्र दिए, और जो लामाज हैं पहले के, मैं ये आपको ये बात बता रही हूँ 1950 के पहले की, 1950 से पहले जितने भी लामाज थे, हैं सॉरी, वो मंत्रों की शक्ति के द्वारा हीलिंग करते हैं लामा फिगर।
उनके अलग तरीके हैं करने के, लेकिन 1928 में एक डॉक्टर एस के सैनी जी हैं जिनका जन्म हुआ, और सॉरी 1964 में उनका जन्म हुआ, और उन्होंने बहुत तपस्या करी, अपना घर छोड़ दिया, और वो भी इसी राह पर थे कि किस तरह से दुख दूर किया जाए, और ये लामास के साथ रहकर उन्होंने कुछ सिंबल्स बनाए जिसमें उन मंत्रों की शक्तियां डाली, और हम लोगों के लिए जो अज्ञानी लोग हैं उन सब के लिए ये सिंबल्स हम लोगों तक पहुंचाए, जिनमें तकरीबन 4.5 लाख मंत्रों की शक्ति है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम जो 12 सिंबल सीखते हैं उसमें 2100 मंत्र हैं, तो आप सोचिए कि अभी हमें और कितना सीखना बचा है लामा फेरा में। तो ये 12 सिंबल्स उन्होंने बनाए हम लोगों के लिए जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं लामा फेरा के, और उसमें काफी मंत्रों की शक्तियां हैं जिससे हमारे डेली बेसिस के जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और एक जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं हर इंसान को, थोड़ी स्ट्रेस डिप्रेशन कुछ ना कुछ आता रहता है डेली बेसिस पे, उसको ठीक करने के लिए 12 मंत्र 12 सिंबल्स उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इस तरह से लामा फेरा हम लोगों के बीच में आया है, नहीं तो आज भी जो तिब्बत में लामास प्रैक्टिस करते हैं वो अपने ओल्ड तरीकों से ही प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, मेरे ख्याल से तो नामुमकिन जैसी चीज है, क्योंकि उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आई होप सो यहाँ तक सबको क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? नो? आप लोग अपने ये वीडियोस ऑन कीजिए ना, मैं देखूं आप कितने कौन है, कौन मुझसे इंटरेक्ट करना चाहता है। आज यहाँ आप लोग आए हैं तो यू यू मस्ट बी हैविंग सम पर्पस, राइट? इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस। ग्रेट टू सी यू आशी जी, राकेश जी, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चेहरे हैं आप लोगों ने कैमरों के पीछे छुपा रखे हैं, ऐसे मजा नहीं आता है, राइट? देखिए इतना बोलते ही सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई है। प्लीज ऑन योर कैमराज, क्योंकि अब जो सेशन शुरू हो रहा है हमारा वो इम्पोर्टेंट सेशन है, आप लोगों को मजा आएगा। अगर एंजॉय करना है तो मेरे साथ बने रहिए। मैम, मेरा स्टार्टिंग का थोड़ा सा छूट गया था, मैं देर में देख पाई आपका ये, तो कोई अभी बात जस्ट मैंने नहीं, थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि बुद्धा जी को कैसे इनलाइटमेंट हुआ, ये नहीं आइडिया है। आपने जहाँ से बताया ना कि वो एक लेडी आई, उन्होंने उनको ट्रीट किया अपने अकॉर्डिंग, वहां से मैंने सुना है, कोई बात नहीं, और हम मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानती इस थ्योरी के बारे में, बट अच्छा मुझे अच्छा इंटरेस्ट आया कि मैं सुनूं समझूं, शायद मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं अपने साथ साथ। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल तो जी मैम, बिल्कुल कर पाएंगे। मैम हल्का सा कुछ मुझे हिंट दे दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो पहले का। जरूर, अगर बाकी सबकी इजाजत हो तो मैं इनको जल्दी से फटाफट लॉर्ड बुद्धा की के जी बारे मैम, में बता दूं, क्योंकि हम सभी एक ही पेज पर हैं, तो आई होप सो आपकी सबकी परमिशन है। तो लॉर्ड बुद्धा एक प्रिंस थे, जब पैदा हुए वो प्रिंस थे, और उनके पेरेंट्स को आकाशवाणी आई कि ये सन्यासी बनेगा, तो उन्होंने उनको पूरे महल के उसमें 4 दीवारों में कैद करके रखा था। शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन एक दिन वो जब महल के बाहर निकले अपने सारथी के साथ, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक डेड बॉडी और एक सन्यासी। तो उन्होंने जब सारथी से पूछा तो उन्होंने उसे व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से हमारा जीवन चक्र चलता है। तो वो बस उनके दिमाग में बैठ गई बात, और उन्होंने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान किया, सन्यासी को देखा, तो ये पता चला कि ये मोक्ष का द्वार है और इससे दुख तकलीफ नहीं रहती है, और लोग उनके पास जाते हैं ठीक होने के लिए। तो बस उनको वो रास्ता ज्यादा अपील करा, उनको पसंद आया, और वो बस ध्यान मग्न हो गए, उसी रात घर छोड़ दिया और बोधि ट्री के नीचे जाके ध्यान करने लगे, खूब तपस्या करी, तो हमारे त्रिशक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रसन्न हो गए उनसे और उन्हें तथास्तु बोल दिया। अब इन्होंने तो दुख दूर करने थे सबके,
और वो करते तो सारा बैलेंस बिगड़ जाता। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने फिर से वो आनंद जी के पास जाके उनसे गुहार की कि इनको समझाओ, और उन्होंने समझाया। तब उन्होंने उनको बस एक ही शिक्षा वो बात कही कि जब तक तुम्हारे पास कोई आए नहीं कि मेरी तकलीफ दूर करो, तब तक आप उसकी तकलीफ दूर नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा लेसन है जो लॉर्ड बुद्धा को भी मिला, और हम सब जितने भी हीलर्स हैं यहाँ पर, या जो भी कुछ आगे हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस चीज को प्लीज ध्यान रखें। जब तक आपसे कोई ये ना कहे कि मुझे हील करो, आप उसको हीलिंग्स नहीं देंगे। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो गया अभी उनकी छोटी सी स्टोरी। मैडम आपके लिए तो सुनाई मैंने दोबारा। हाँ, थैंक यू मैम। ओके चलिए गुड। देखिए किसी को भी निराश नहीं करते, कोशिश ये करते कि सबकी जो बात है वो पूरी की जाए। चलिए जी तो डॉक्टर एस के सैनी तक आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है कि किस तरह से लामा फेरा और क्या है लामा फेरा। ठीक है, इसके जो सिंबल्स हैं वो आपको आगे, आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको डिटेल में पढ़ाए जाते हैं किस तरह से बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, और उसको किस तरह से हीलिंग में आप यूज करते हैं वो बताया जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि लामा फेरा के बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी है। राइट, लामा फेरा आपके लिए क्या कर सकता है? देखिए मोडेलिटीज बहुत हैं, बहुत लोगों ने रेकी सीखी होगी, प्राणिक हीलिंग सीखी होगी, आप लोग आर्ट ऑफ लिविंग में इसे भी जुड़े हो सकते हैं। हीलिंग्स बहुत तरह की हैं, हमारे पास क्वांटम हीलिंग्स हैं, मतलब आजकल हीलिंग्स के नाम पर आप जो नया होता है वो निकाल सकते हैं, बहुत सारी हीलिंग। लेकिन जो हीलिंग्स आपको रेजोनेट करती है वो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होते हैं लामा फेरा हीलिंग के? सबसे पहले तो वो आपका स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर, ये जो चार सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल हम लोग सभी फेस कर रहे हैं इस कोरोना काल में, और कोई अछूता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी पैसे वाला हो, कोई भी हो, चाहे भले ही साधु संन्यासी क्यों ना हो, लेकिन वो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, है ना। बड़े से बड़े डॉक्टरों को हमने देखा है इस बार, पिछले 2-3 सालों में बहुत कुछ हुआ है। तो लोगों की नौकरियां चली गई, स्ट्रेस है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी होती है कि अनसर्टेनिटी आ जाती है कि आगे क्या होगा हमारी लाइफ में, अब क्या, और उससे डर भी पैदा होता है। फिर उससे फिजिकल एलिमेंट्स होती हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि ये चीजें हमारी विल पावर को डाउन करती है ना। तो इस तरह के जो जितने भी स्ट्रेस फियर्स हैं ये आपके लामा फेरा के थ्रू निकल जाते हैं। उसके बाद ये आपकी इवल स्पिरिट्स जो होती हैं आपके आसपास, इवल स्पिरिट्स, या नजर होता है कि कोई किसी ने नजर लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, कहते हैं ना जादू टोना कर दिया, वो इससे बाहर निकल जाता है। आपके ऊपर अगर किसी ने किया है तो वो बहुत आसानी से लामा फेरा के थ्रू निकल जाता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी, जैसे नजर मैंने कही, फिर आपकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज होती है, शार्पनेस इंक्रीज होती है, क्योंकि आपके मेंटल हीलिंग भी होती है इसके अंदर, तो उसमें आपको काफी फर्क पड़ता है। और मेडिटेशन के थ्रू भी की जाती है, आपकी जो विल पावर है उसे बढ़ाया जाता है। देन आपका जो ये है, आपकी जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, हर इंसान अपना कर्मा पिछले जन्म से भी लेकर आता है, तो उसके जो कर्म होते हैं जो इस जन्म में तकलीफ दे रहे हैं, तो उसको भी मिनिमाइज किया जाता है, उसे भी हटाया जाता है, पास्ट को पास्ट में छोड़ा जाता है और आपको आगे के लिए फ्री कर दिया जाता है। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन इससे सुधरती है, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, सोशली हो, या एनी अदर स्पिरिचुअल भी जर्नी आपकी काफी इसमें पॉजिटिव हो जाती है और आप आगे बढ़ते हैं। फिर आपकी जितने भी बिजनेस के प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने बताया,
वो सब होता है। इसमें आपको वास्तु हीलिंग भी सिखाया जाता है, जिससे आप अपने घर का वास्तु है उसको आप हील कर सकते हैं डेली बेसिस पर। अगर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या आपको लगता है नजर है आपके घर पर, उसको भी रिमूव किया जाता है। तो जैसे कि अभी एक क्लास में मुझे किसी ने पूछा था कि हमने सुना है लामा फेरा तंत्र के ऊपर बेस्ड है, तो मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि तंत्र और मंत्र हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आप लोग तंत्र और अघोरी तंत्र को कंफ्यूज मत कीजिएगा। अघोरी तंत्र टोटली डिफरेंट पैटर्न है। जो शिव भक्त होते हैं, जो शमशान में जाके काम करते हैं, वो अघोरी होते हैं। आप और हम रोज दिन में एटलीस्ट 2 बार तो तंत्र करते ही करते हैं। अगरबत्ती जलाते हैं, पूरे घर में घुमाते हैं, सब भगवानों के आगे घुमाते हैं और मंत्र बोलते हैं। तो ये तंत्र और मंत्र का कॉम्बिनेशन हर इंसान 2 बार तो करता ही है दिन में, एक सुबह और एक शाम। ठीक है, तो इस चीज से आप लोग प्लीज कंफ्यूज ना हो कि तंत्र मंत्र कुछ अलग है और कुछ ऐसी चीज है जो इंसान को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और बताती हूँ। यहाँ मैंने आपको ये तो बता दिया कि लामा फेरा के बेनिफिट कैसे क्या है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये बताने जा रही हूँ कि लामा फेरा आपके ऊपर काम कैसे करता है। आप लोग इंटरेस्टेड है सुनने के लिए? जो है प्लीज बताएं थोड़ा। यस मैम, बिल्कुल मैम, बताइए। और भी लोगों की आवाजें सुनना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ आप लोगों को। मैं आशी बोल रही हाँ हूँ। अंशी जी, आपकी वो क्लिक हुआ मुझे। हाँ जी, और बताएं, और कौन सुनना चाहता है, पता करना चाहता है कि लामा फेरा किस तरह से आपके ऊपर काम करता है और कैसे कहाँ काम करता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, जब तक आप किसी भी चीज की जड़ को नहीं समझते हैं, तब तक आपको उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैम बिल्कुल, चलिए फिर शुरू जी। करें। मैम, जब तक हम किसी चीज को डीपली नहीं समझते हैं ना, तो हमें ये लॉजिक उसका नहीं पता होता है कि ये कैसे काम करता है। तो मन बिल्कुल में एक जो विश्वास होता है ना, वो डेवलप नहीं होता है। ऐसा लगता है बिल्कुल सब जादू टोने वाली बातें हैं। तो जादू टोना ना हो कि ये साइंस है, और साइंस के साथ साथ हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट है, तो उसको बिल्कुल हमें ऐसे लेना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन उसको भी समझना चाहिए, जी चाहे बिल्कुल कोई। मैम, समझ के ही उसको करना चाहिए, ताकि वो अपने लिए भी फ्रूटफुल हो और दूसरों के लिए भी। थैंक यू मैम। तो सॉरी, लामा फेरा जो मोडेलिटी है, जो पद्धति है, जो फिलॉसफी है, बुद्धा ने उसको कहा कि आप आत्मसात करो। आत्मसात का मतलब होता है अपने अंदर उन चीजों को पहले समझो कि आपको क्या तकलीफ। जब तक आप अपनी तकलीफें दूर नहीं करोगे, तब तक आप किसी और की क्या तकलीफ दूर करोगे, राइट? तो क्या हुआ कि जब लॉर्ड बुद्धा ने पहले तो अपने आप को क्लियर किया। तपस्या करने का मतलब ही ये है कि उन्होंने अपने आप को अंदर से क्लीन किया, सेल्फ अवेयर हुए, तभी तो उन्हें ये ज्ञान प्राप्ति हुई। तो उसी तरह से वो ये कहते हैं कि पहले आप अपने ऑरा और चक्रा पर काम कीजिए। तो जब हम अपने ऑरा और चक्रा पर काम करते हैं, ठीक है, तब हमें किसी भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, अगर जब तक मटका खाली नहीं है तो आप उसमें पानी कैसे भरेंगे? ऑलरेडी पानी भरा हुआ है उसके अंदर। अब पानी कैसा भरा है वो अलग बात है, वो गंदा पानी भी हो सकता है, अच्छा पानी भी हो सकता है। अगर अच्छा है तो ठीक है, वो और एनर्जाइज हो जाएगा। अगर बुरा है तो कहते हैं ना, माइनस प्लस। अभी यहाँ पर थोड़ा मैथ भी आ गया, अलजेब्रा आ गया। चलिए, माइनस प्लस क्या होता है? अनम्यूट करिए, बोलिए प्लीज, आवाजें सुनवाएं आप लोगों की, माइनस बड़ी अच्छी अच्छी माइनस आवाजें हैं। माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है। अगर माइनस के अंदर अगर आप प्लस डालेंगे तो वो माइनस ही होना है। यस प्लस मैम, के अंदर प्लस डालेंगे तो वो प्लस होगा, यस मैम, है ना? ये तो रूल है, हमारे मैथ का भी रूल है। तो जब तक आप माइनस को खत्म नहीं करेंगे, तब तक जो प्लस है वो उसके अंदर जाएगा कैसे, है ना? तो जब तक आप अपना जो नेगेटिव मटका है उसका सारा पानी खाली कर देंगे, तभी तो अच्छा पानी आपके अंदर आएगा, ज्ञान रूपी पानी उसके अंदर हम भर सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से हम अपने सबसे पहले ऑरा और चक्रा को क्लीन करते हैं। लामा फेरा का जो प्रोसेस है वो यहीं से शुरू होता है।
सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मेडिटेशंस आती हैं, तो आप लोगों को जो भी ज्वाइन करेगा और जो कर रहे हैं उन्हें पता है कि जो मेडिटेशंस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑरा किस तरह का है। अच्छा, रेनबो कलर सबको पता है ना, हम विब क्योर करते हैं स्कूल में, बहुत सिखाया जाता है, रेनबो के रंग सिखाए जाते हैं। आप ये पहली पिक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी रेनबो के कलर्स हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, और फिर वॉयलेट के बाद व्हाइट। तुषार जी प्लीज अपने आप को म्यूट करेंगे। तुषार जी प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, थैंक यू। तो हमारा जो ऑरा होता है वो भी ऐसा ही होता है। मैम इसको चेक करने का कुछ मेथड है? हाँ जी, वो भी जैसे लाइटिंग सारी है, कैसे चेक करेंगे? जी 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 बिल्कुल, सब चेक करना भी सिखाते हैं हम आपको, कोर्स में सब है। नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी ये चीजें एनलाइटेंड हो गई हैं, है ना? आपको इनसाइट्स आने लगती हैं, और ये सब मेडिटेशन के थ्रू होता है। ये आप खुद करते हैं, कोई आपको करवाता नहीं है, आप खुद सेल्फ अवेयर होते हैं। तो इसी तरह से ये जो है, इस तरह से ये आपका ऑरा होता है, ठीक है, सेवन। और ये जो वाइट है, दिस इज द अल्टीमेट, जो जिसको हम डिविनिटी कहा जाता है, यूनिवर्सल लाइट कहा जाता है, वाइट लाइट कहा जाता है। अब अगर आप देखेंगे, अगर किसी इंसान को कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका ऑरा ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अनहेल्दी है, वो सब नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट क्यों करता है? नेगेटिविटी वो इसलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसका जो ऑरा है, आप यहाँ देखते हैं अनहेल्दी ऑरा, ये जो अनहेल्दी ऑरा है ये बता रहा है कि उसको कितनी जगह तकलीफ है। ये देखिए, यहाँ सारा सब अंदर है, कहीं पर गायब ही है, यहाँ नीचे पैरों की तरफ, यहाँ देख सकते हैं इस तरफ, आप देख रहे हैं कितना टूटा फूटा ऑरा है ये। तो यहाँ से उसके अंदर सारी नेगेटिविटी जा रही है। अब जब नेगेटिविटी जाएगी तो ऑब्वियसली तकलीफ तो देगी, चाहे वो शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो, चाहे इंटरनल आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में हो, है ना? और जब किसी का हेल्दी ऑरा होता है तो आप देखिए जो पास में ये जो ऑरा है वो किस तरह से पूरा हेल्दी ऑरा है, चारों तरफ अंडाकार शेप में, पूरी तरह से वो एक भी थ्रेड टूटा हुआ नहीं है। और जब हम इसको इस तरह से देखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका ऑरा इस तरह से बना हुआ है। और जब ये कंप्लीट ऑरा आपका होता है तो उसको फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इसको एनहेंस करना है और इस ऑरा को बढ़ाना है, ताकि आप लोग नेगेटिविटी कहीं पर भी कभी भी अट्रैक्ट नहीं करें। और वो किस तरह से होगा? आपकी ये जो बॉडी है, ये सबटल बॉडीज कहा जाता है इनको, इनको बढ़ाया जाता है मेडिटेशन के द्वारा। और जब ये बढ़ जाती हैं तब आप जो डिवाइन इंटेलेक्ट है, जिसको हम इंटेलिजेंसी कहते हैं या जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, वो आप तक आती है। वो तभी आती है जब आपका ऑरा कंप्लीट होता है, ठीक है? तो हम कोर्स में आपको ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से आपको अपना ऑरा बढ़ाना है, उसे कंप्लीट रखना है, और किस तरह से आपको पॉजिटिविटी आपके ऑरा में इतनी आ जाए कि जो भी आपसे मिले वो इंसान ये सोचे कि भाई इस बंदे में कुछ बात है। आप लोग भी सब यही चाहते हैं? हाँ जी जी मैम। तो यहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप करें इस चीज को, ओके? हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हो गई ऑरा की बात। अब आती है इसके बाद चक्रास। आप लोगों को पता है ना कितने चक्रास होते हैं हमारे? जी, सेवन चक्रास। सेवन चक्रास, जो ये हम लोगों को पता है। ऐसे तो हमारे पास बहुत चक्र हैं। आप लोगों ने एक्यूप्रेशर या एक्यूपंचर वालों को अगर देखोगे तो वो हर जगह या तो सुई लगाते हैं या पॉइंट्स दबाते हैं,
हमारी बॉडी में 114 चक्र है, लेकिन हम लोग जो मेन एक्टिवेशंस करते हैं, जो हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए जिन चक्रास की जरूरत होती है, वो बेसिकली 12 चक्रा की जरूरत होती है, जिसमें कुछ चक्रास जो है वो सेल्यूलर लेवल पे काम करते हैं, और हम जो है हम अपने जो अवेयरनेस के लिए काम करते हैं वो सिर्फ 7 चक्रास पे काम करते हैं, जिसमें एक नाभि चक्रा है जो जनरली यूज होता है लेकिन उसको हम एक्टिवेट नहीं करते, वो नाड़ी एक्टिवेशन डीएनए एक्टिवेशन में काम आता है। ठीक है, आई होप सो यहाँ पर चक्रा के बारे में भी आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ी होगी। तब ये चक्रास क्या होते हैं ये देखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट एक बहुत अच्छी एक स्लाइड लगाती हूँ, और आप लोगों अब यहीं पर सीख जाएंगे कि आप कैसे अपनी तकलीफ को जान सकते हैं चक्रास के थ्रू। ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज, और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, बिकॉज मुझे इंटरेक्शन करने में मजा आता है और बताने में भी फिर इंटरेस्ट आता है। चलिए, यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हैं सब लोग। अब इस स्क्रीन के अंदर आप लोग सबसे नीचे देखेंगे रेड कलर का एक गोला। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से आपके बॉडी में चक्रास प्लेसमेंट्स होती है, मतलब कहाँ कहाँ आपके चक्रा और कैसे कैसे होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। सबसे नीचे यहाँ जो मेरा माउस देख रहे हैं, आप कर्सर देख रहे हैं, ये यहाँ है, ये मूलाधार चक्रा होता है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं, जो हमारी स्पाइन के नीचे होता है। उसके ऊपर होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र जिसे हम सेक्रल चक्र कहते हैं, ये नाभि से 2 इंच नीचे होता है। उसके ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्र जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं, जो नाभि से 2 इंच ऊपर होता है। मैंने जैसे बताया नाभि भी एक चक्र है, जिसके बारे में हम इसमें नहीं जानेंगे, वो अलग चैप्टर है पूरा। अनाहता चक्र है हार्ट चक्र, हार्ट चक्र बीच में है, साइड में नहीं होता है, वो ऑर्गन है, हार्ट इज अ ऑर्गन जो हम देखते हैं, चक्र जो है वो मिडिल में होता है। उसके ऊपर आता है हमारा विशुद्धि चक्र जो है हमारा थ्रोट चक्र, उसके बाद आता है अजना जो है हमारा थर्ड आई चक्र, फिर उसके ऊपर होता है सहस्त्रार जो हमारा है क्राउन चक्र। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 चक्रास के ऊपर काम किया जाता है। अब हर एक चक्रा जो है उसका एक रंग है, और हर एक चक्रा अपना एक काम करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रूट चक्रा अगर हम लेते हैं, सबसे नीचे वाला आप देखेंगे लाल रंग का चक्रा है, ये हमारा सर्वाइवल का कारक है। हम आप जो यहाँ बैठे हैं, हम जो काम करते हैं, खाते पीते हैं, लग्जरी लाइफ जो जीते हैं, घर मकान फैमिली बच्चे पैसा, ये सब ये उसका कारक है। तो आप मानते हैं कि हमारा रूट चक्र एक्टिव होना चाहिए, तभी हमें ये सब चीजें बहुत आसानी से मिल पाएंगी, राइट? और आज तक हम में से किसने अपने रूट चक्र पे काम किया है? मैम, इसमें नीचे साइड से दिख नहीं रहा है बिल्कुल, ये ब्लॉक्ड बाय फेयर है क्या लिखा है? ब्लॉक्ड बाय फियर, ओके ओके मैम, ये जो चक्रा होता है, ये जी अगर आपके अंदर डर है, अभी देखिएगा, आपको दिखेगा, अब दिख रहा है? अगर आपके अंदर डर है तो ये चक्रा आपका ब्लॉक है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताओ, अगर आपके सामने शेर आ गया, फर्ज करो आपके सामने शेर आ गया, तो वहां सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा? आपके सर्वाइवल पर, है ना? तो शेर तो शेर है, वो तो मार के ही खाएगा, उसका तो वो नेचर है ना? अब वहां क्या आएगा सबसे पहले आपके अंदर, क्या आएगा? डर आएगा शेर को देखते, तो आपके सारे सेंसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, सोचने समझने की शक्ति खत्म, क्या करना है वो खत्म, ना आप भाग सकते हो, आप एकदम जड़ हो जाओगे, फ्रीज हो जाओगे, राइट? और जब आप फ्रीज हो गए तो सबसे पहले क्या होगा, वो आपको मारेगा, मतलब आपके ऊपर अटैक करेगा, सर्वाइवल खत्म। ये एक एग्जाम्पल है शेर का, लेकिन अगर हम
इसको चाहे अपने रिलेशनशिप में देखें, ठीक है, चाहे आप अपने करियर में देखें इसको, चाहे फाइनेंसिस में देखें। लोग पैसों से भी डरते हैं कि अगर मेरे पास इतने लाख रुपए आ गया तो मैं क्या करूंगा, कैसे इन्वेस्ट करूंगा। ये जहां क्वेश्चन मार्क आया, जहां ये डर आया, वो पैसा आपके पास नहीं आएगा, वो सर्वाइवल खत्म आपका वहां, है ना। पढ़ाई से डरते हैं बच्चे एग्जाम में, जब डरते हैं तभी उनके मार्क्स कम आते हैं, जो लोग नहीं डरते हैं वो वंडर्स कर जाते हैं। रिलेशनशिप में अगर आप अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन से डरेंगे, ठीक है, तो आप उस रिलेशनशिप को भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो एक डर बैठ गया। क्लियर। अब उसके ऊपर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस, जो ऑरेंज कलर का चक्रा है, जो प्लेजर्स देता है। प्लेजर्स मतलब ये सब चीजें तो आपके पास है भैया, पैसा भी है आपके पास, आपके पास बहुत अच्छी फैमिली है, आपके पास घर है, गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, सर्वाइवल मोड आपका बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, लेकिन आप उसका सुख नहीं भोग पा रहे। होता है कई बार, आपने देखा होगा जितने लोग अमीर हैं, अमीर मतलब स्टिंकिंग रिच लोग हैं, आज उनकी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत जगह ये कहते हैं कि भले कितना ही पैसा है लेकिन हम खुश नहीं है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना किसी तरीके से गिल्ट बैठा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबने बहुत कुछ गलत तरीके से कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब गिल्ट आता है तब आप अपने सुखों को भोग नहीं पाते, आपको लगता है कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता हूं। और जब ये प्रॉब्लम आती है तब आपका ये जो सेक्रल चक्रा है, इसका मतलब ये डिप्लीटेड है। डिप्लीटेड का मतलब होता है ये इसमें तकलीफ है। क्लियर है यहां तक। अब आगे चलेंगे जो है सोलर प्लेक्सस, उसके ऊपर का जिसको येलो रंग दिया हुआ है, पीले रंग का चक्रा होता है ये। ये हमारी विल पावर है। कहते हैं ना, अगर आप कभी डरते हो, घबराते हो या बहुत खुश होते हो तो कहते हैं ना पेट में कुछ हो रहा है, कुछ गुदगुदी सी हो रही है, बटरफ्लाईज हो रही हैं, होता है ना, ये कहते हैं ना सब लोग कि कुछ हो रहा है, पेट में कुछ हो रहा है। जी मैम। तो वो है हमारा सोलर प्लेक्सस, वहीं पे हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, वहीं पर सारे हमारे जो बॉडी को चलाने के लिए जितनी भी हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, अदर देन हार्ट जो हमारे ब्लड को पंप करता है। यहाँ के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, डायबिटीज है, ये आपको स्टमक प्रॉब्लम्स है, जितनी भी कॉन्स्टिपेशन का तकलीफ है, वो सब यहीं से होता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, सबसे पहले आपका डाइजेशन खराब होता है, सबसे पहले। या तो आप बहुत ज्यादा खाएंगे, इसका मतलब या तो आप डिप्रेस हैं, या बिल्कुल नहीं खाएंगे, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, गैस का प्रॉब्लम भी यहीं से डेवलप होता है। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं। अब ये जो है, ये हमारा कैसे ब्लॉक होता है, ये होता है शेम। शेम एग्जैक्टली शेम वो नहीं है, अगर आप लोग सोचते हो कि भैया शेम मतलब शर्म हो, वो नहीं होता है। शेम का मतलब है यहाँ पर कि आप कोई भी काम करने से कतराना, ठीक है, आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। लाइफ में रिस्क लेना जरूरी होता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका फ्यूचर क्या है, आप कब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे, और कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा विल पावर स्ट्रांग होना, राइट। तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां ऐसे ही चली जाती, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते। अब इसके ऊपर आता है हार्ट चक्रा, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है। अब इस प्यार को कैसे खत्म करते हैं हम, दुख तकलीफ ग्रीफ, किसी अपने की हमें छोड़ के कोई चला गया, चाहे ब्रेकअप्स हो गए,
चाहे कोई इस दुनिया से चला गया, हम ग्रीफ में आते हैं तो हमारा हार्ट चक्र एकदम छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आपका किसी काम में दिल ही नहीं लगेगा तो आप काम क्या करोगे, राइट। अब इसके ऊपर है हमारा थ्रोट चक्र, जो सच के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी सच्चाई से चलेंगे उतना ये एक्टिव रहता है, और जितना आप झूठ बोलेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, उतना ये खराब होता चला जाएगा। अब ये जो मैंने पांच चक्रास आपको बताए ना, ये हमारे सर्वाइवल के ऊपर, ये सब चीजें ना डिपेंड करती है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और जो ऊपर के दो चक्रास हैं वो थोड़े इंटेलेक्ट चक्रास होते हैं, जिसे हम थर्ड आई चक्र कहते हैं। आप लोगों ने शिव जी की तीसरे आंख सुना होगा, लेकिन ये वो नहीं होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर करूँ इस चीज को, क्योंकि कई लोग समझते हैं इस चीज को कि थर्ड आई मतलब शिव जी की तीसरी आंख, ऐसा नहीं है। शिव जी की तीसरी आंख अगर एक्टिवेट हो गई तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, तो वो हम और आप जैसे लोगों के बस की बात भी नहीं है। तो थर्ड आई हमारा जो है वो एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि हमको प्रॉपर इंसाइट्स आना कि हमें इस जीवन को कैसे जीना है, ठीक है। तो जब हम इस जीवन को अच्छी तरीके से जी लेते हैं या जीते हैं या सच्चाई पे चलते हैं, और किस तरह से हमें अपनी दुख और तकलीफों को दूर करना है, जब हम इस चीज को समझने लगते हैं, तब हमारा ये जो थर्ड आई चक्र है वो एक्टिवेट होने लगता है। उसके ऊपर आता है क्राउन चक्र। जब ये सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो हम बस ईश्वर में लीन हो जाते हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें डिवाइन एनर्जीज मिलने लगती हैं, हमें वो इंसाइट्स मिलने लगती हैं जिसे कहते हैं ना इंट्यूशंस होने लगते हैं। बहुत लोगों को इंट्यूशंस होते हैं, इसका मतलब है कि उनको डिविनिटी से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट बॉडी में चक्रास का प्रोसेस चलता है। क्लियर है जी मैम? मैंने कहीं सुना था कि जो चक्रास होते हैं ना वो फुली एक्टिवेट नहीं होने चाहिए, 50-60% एक्टिव होनी चाहिए, फुली हो जाएंगे तो हम संसार से दूर हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि ये जितने भी चक्रास हैं इंटर रिलेटेड है ना। ओके, हमारे जितने भी, जब इसके बाद मैं आपको कुंडलिनी के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से वो जो आपने बात करी ना वो किस तरह से होती है। ओके मैम, तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को कि हम जब हमारा ये सेशन खत्म होगा उसके बाद मैं कुछ मेडिटेशन लूंगी आप लोगों का, ताकि आपको वो चीज फील हो अंदर से कि किस तरह से आप अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। 5-1 मिनट का होगा, बट आई होप यू एंजॉय इट। तो ये जिस तरह से आप, ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है मैडम कि जब हम चक्रास के ऊपर काम करते हैं तो हमारे जब चक्रास एक्टिव होने लगते हैं तो आपके वो वाला जो उसका एक पॉइंट है, जैसे रूट चक्र एक्टिवेट हुआ तो वो सर्वाइवल मोड का हो गया, तो आप वहां पर प्लेजर्स लेने शुरू कर दोगे। जब आप प्लेजर्स लेने शुरू करोगे तो आप खुश हो, तो आपका विल पावर स्ट्रांग होगा। जब विल पावर स्ट्रांग होगा तो आप हमेशा हंसते खिलखिलाते रहोगे, आपका दिल खुश रहेगा, दूसरों में भी आप खुशियां ही बांटोगे। जब आप दूसरों में खुशियां बांटोगे तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो वैसे हो, वो सच्चाई आपके अंदर आ जाएगी। जी, जब आपके अंदर ये सारे ये चीजें हो रही है पांचों में, तो आपको इनसाइट्स भी आने लगेंगी जी। और जब आपको इनसाइट्स आने लगती हैं तब आप स्पिरिचुअली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे चक्रास इंटर रिलेटेड है, और जब ये इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने किसा गौतमी का आपको किस्सा सुनाया था, जो लॉर्ड बुद्धा ने उसके हार्ट के पर आकर उसको रोक दिया था, जो माला है वो हार्ट पर रखी थी, वो क्यों रखी थी, क्योंकि उसके कर्माज अभी बचे हैं जी। तो लामा फेरा में यहाँ पर आपको बैलेंस किया जाता है जी। आपको सिखाया जाता है कि अपनी लाइफ को किस तरह से बैलेंस करें आप जी मैम, है ना। और लाइफ को बैलेंस करना मतलब आपकी शिव शक्ति एनर्जीज को बैलेंस करना। आजकल ये चाइनीज प्रोवर्ब बहुत आ रहा है, यिंग यांग एनर्जीज ना, जिसे हम शिव शक्ति भी कहते हैं। फिर हमारा सन मून एनर्जीज होती है, चंद्र और सूर्य नाड़ी होती है जो
जो अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो ये सब चीजें जो होती है इनको बैलेंस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और उसके थ्रू ही आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, उसी के थ्रू आपके ऑरा बैलेंस होता है एंड बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और इसी तरह से आपका जो सर्वाइवल मोड है और जो भी है सारी चीजें आपकी अपने आप होती चलेगा। ठीक है, लेकिन ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। लोगों को यही समझ में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो उसी सिचुएशन में फंस के रह जाते हैं कि अरे हमारे हमें ये दुख है, इसने हमारे साथ ऐसा बोल दिया, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया। उसने नहीं किया, आपने वो अट्रैक्ट किया। आपने वो अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि आपके ऑरा चक्र में प्रॉब्लम्स है, राइट? वही होता है जैसे फॉर एग्जांपल घर में दो भाई हैं। एक एग्जांपल दूंगी आपको इसका कि किस तरह से क्यों इफेक्ट हो रहा है, ये दुख और तकलीफ आ क्यों रही है, ये भी तो सच्चाई जाननी जरूरी है ना आपको। जी अभी सपोज फॉर एग्जांपल घर में दो भाई हैं, उनके फादर के साथ वो रहते हैं बचपन से। बचपन में दोनों भाइयों ने देखा फादर शराब बहुत पीता है। ठीक है, एक भाई ने बड़े होकर शराब पीनी शुरू कर दी और दूसरे भाई ने वो शराब बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। जिसने शराब पी, आप उसको पूछो कि भाई तुम शराब क्यों पीते हो, वो बोलेगा क्योंकि मेरे पिताजी पीते हैं। दूसरे से पूछा कि आप शराब क्यों नहीं पीते हो, तो वो क्या कहेगा, क्योंकि मैंने देखा है अपने पिताजी को शराब पीते हुए। जी उनकी क्या कंडीशन है। उसने शिक्षा ले ली और उसने फॉलो कर लिया। अब यहाँ यही है कि आप सच्चाई किस तरह से अपने अंदर ले रहे हो, जो राइट पाथ है आप क्या चूज कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली जो लड़का शराब पी रहा है उसको पता है, हमें भी पता है कि उसका अंत क्या होना है ना। तो यही चीज है, यही डिफरेंस है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। आपके सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं हमेशा, और आपकी जो अंतरात्मा होती है जिसे हम मन कहते हैं, जो बहुत मिथ है, मन कुछ नहीं होता है, वो आपका जो अंदर आपके यहाँ बैठे होती है ना चीजें, वो होता है, वो आपको गाइड करता है आप क्या करो क्या नहीं करो। लेकिन हमेशा याद रखिए जो बुरा रास्ता होगा उसमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स आपको जरूर दिखते हैं। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा कि अगर मैं उसके पति को जिंदा कर देता, उसके बच्चे को जिंदा कर देता, तो वो उसका शॉर्ट टर्म प्लेजर था। अब जब उसको वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका जो प्लेजर है वो पूरा इस जन्म में तो आएगा, वो दूसरों को भी इस ज्ञान को बांटेगी, और इसी तरह से ये चलता रहेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि आपके जो कर्म होते हैं ना वो आपको खुद काटने होते हैं, वो आपको खुद भोगने होते हैं, उसकी इंटेंसिटी ऊपर नीचे की जा सकती है, राइट? आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। यस मैम, यस मैम, थैंक यू। अब हम आते हैं नाड़ियों के ऊपर। अब नाड़ी क्या होती है, सबको पता है, इंगला पिंगला होती है, सूर्य चंद्र होती है, शिव शक्ति कहते हैं, यिन यांग कहते हैं, ये सब नाड़ियों के नाम है। सबने अपने हिसाब से उनको इधर उधर कर रखे हैं, ठीक है ना। बीच में है, अगर आप देखेंगे एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, इसको कहते हैं सुषमना, जो हमारी स्पाइन है, और ये है इंगला पिंगला नाड़ी है, एक ब्लू और एक ऑरेंज कलर की, आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस वे में ऊपर नीचे जा रही है। ये हमेशा रूट चक्र में कुंडलिनी की तरह बैठी होती है, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है ना, उस तरह से ही बैठी होती है हमेशा। और जब ये एक्टिवेट होना शुरू होती है, जब हमारा रूट चक्र एक्टिवेट होता है, तो इसमें भी हलचल होती है। तो जब ये हलचल होती है तो ये इस तरह से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, और ये हर चक्रा को टच करती हुई ऊपर जाती है। ये जितने भी आप उसके इंटरसेक्ट पॉइंट्स देख रहे हैं यहाँ पर आप इसको काउंट भी करें, ये रूट चक्रा है, ये सेक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट, थ्रोट और थर्ड आई, ठीक है। तो ये चक्रास में से होती हुई जाती है ऊपर हमेशा, और
इसीलिए जब जैसे जैसे आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं वैसे वैसे कुंडलिनी वहां तक पहुंचती है, वहां रुक जाती है, फिर आप और दूसरा चक्र एक्टिवेट करेंगे तो वो वहां तक जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि ये चीजें कुंडलिनी जागृत करना या कंप्लीट चक्रास को फुल्ली 100% एक्टिवेट करना हमेशा किसी गुरु के सानिध्य में करना चाहिए, क्योंकि ये करते वक्त आप जरूर आप ट्रांस में जा सकते हैं, आप एक अलग दुनिया में जा सकते हैं, फिर इस संसार में रहने के लिए आपको वापस आना बहुत जरूरी है, राइट? है ना? तो इस तरह से ये हमारे यहाँ हमारे शरीर में नाड़ियां चलती हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि ये जो चक्रास हैं ये प्लग पॉइंट्स हैं, तो हमें इन्हें चार्ज करना पड़ता है बीच बीच में, प्लग पॉइंट्स हैं ये। और हमारे जो शरीर के अंदर जितने सूक्ष्म चक्रास हैं वो है स्विचेस, स्विचेस दबाएंगे अपने आप को एक्टिवेट करेंगे, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, आपके जो जितने भी काम है वो होने शुरू हो जाएंगे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए प्रॉपर तरीके से। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, और बहुत लोगों को कुछ नई चीजें भी पता चली होंगी, कुछ नए इंसाइट्स भी आए होंगे। जी जी मैम, अभी तक अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, इसके बाद मैं आपको लामा फेरा के बारे में थोड़ा और बताऊंगी, क्योंकि लामा फेरा इसी तरह से काम करता है, ये आपके सारे चक्रास को एक्टिवेट करता है और ऑरा को क्लीन करता है, एनर्जाइज करता है, आपको इंटेलेक्ट लेवल पर लेकर जाता है, ठीक है मैडम जी? हाँ जी बोले, नाम बोले पहले प्लीज। मेरा नाम दुर्गेश्वर शर्मा है, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब ये ऑन नहीं कर रखा है। कोई बात, कोई बात। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे थोड़ा ये बताएं कि जैसे इस छोटी सी वर्कशॉप में आप ये बताएं कि हम ऐसा क्या कुछ मेडिटेशन अभी करें या कुछ ऐसा आप करवाएं जिससे हमको कुछ फीलिंग्स हो, तो हमें पता लगे कि लामा फेरा से। क्लास के साथ में एंड में आपको आपके लिए सबके लिए एक मेडिटेशन भी रखा है, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है आप लोगों को। अच्छा जी, वो आपको मिलेगा जरूर। जी जी, लेकिन आपको पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि लामा फेरा होता क्या है। हाँ जी बिल्कुल, हम इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना? जब आपको लामा फेरा के बारे में पता चलेगा तो वो किस तरह से काम करता है, तब आपको फिर उसमें भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम डेली बेसिस पे किस तरह से अपनी सॉल्व कर सकते हैं, या हमारे आसपास के लोगों को कैसे हम एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। अच्छा जी, बताइए मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तुषार जी, आपका एक क्वेश्चन दोबारा मैं पढ़ू जरा, अच्छा क्वेश्चन है आपका एक। तुषार जी ने लिखा है कि ऑरा और चक्रा क्लीन होने से बड़ी बीमारी भी नहीं आती है। थैंक यू इस क्वेश्चन को उठाने के लिए। देखिए, अगर आप बीमारी को अट्रैक्ट कर चुके हैं किसी भी लेवल, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले एक चीज बताई थी कि आपका जो स्ट्रेस डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फियर है, गुस्सा है, ये सब चीजें बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती है। अब ये सब चीजें जब आपकी कंट्रोल हो जाती है, आपके ऑरा और चक्र आपके बैलेंस हो जाते हैं, तो आपको नई बीमारी नहीं आएगी, ओके? लेकिन अगर आपके अंदर ऑलरेडी कोई बीमारी है जो क्रॉनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज हुई, कैंसर है, फिर एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, या सोराइसिस है, ये सब चीजों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डीप होती हैं, और ये बहुत सालों से आपके अंदर, इसके इंटेंसिटी आप लामा फेरा के थ्रू कम कर सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान का कर्मा खत्म नहीं कर सकते, वो कर्मा उसे भोगना ही पड़ेगा, ठीक है? तुषार जी, आई होप सो आई एम क्लियर। थैंक यू। आप लोग थोड़ा प्लीज म्यूट करें अपने आप को, क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाती है फिर।
तो आई होप सो ये चीज क्लियर है इसमें कि हम लामा फेरा से क्या नहीं कर सकते. हम कोई भी डीप डाउन एलिमेंट जो है, जो आपके कर्मा के थ्रू आपके अंदर आई है, उसको हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते. और सिर्फ लामा फेरा ही नहीं, जहां तक मैंने पढ़ा है और समझा है हीलिंग्स को और जितनी भी मोडालिटीज को समझा है, स्पिरिचुअलिज्म को समझा है, वो चीजें कभी भी जड़ से खत्म नहीं होती हैं. आपका जो भोग है वो आपको भोगना ही पड़ेगा. उसकी इंटेंसिटी आप कम कर सकते हो, आप अच्छे कर्म कर सकते हो, आप उन चीजों का दर्द कम कर सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते. वो चाहे आप चाहे प्राणिक कर लो, चाहे रेकी कर लो, चाहे आप किसी भी तरह की मोडालिटी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, इज दिस क्लियर? आज मुझे ना क्लास में आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा है. यस मैम, बिल्कुल क्लियर. इंटरैक्शंस, आई नीड इंटरैक्शंस. एक्चुअली मैम सुबह सुबह काम बहुत होता है ना, तो हम लोग खटर पटर भी होता है और थोड़ा इधर उधर मूवमेंट भी होता है, मोबाइल ले लेके घूम रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि आप मतलब जो लोग देख रहे होंगे वो अच्छा नहीं. एटलीस्ट थम्स अप दे दीजिए, स्माइलीज दे दीजिए. हाँ मैम, मैं तो इसीलिए वीडियो ऑन कर लेती हूँ कुछ भी लगे, बट इंटरेक्शन हो जाए तो अच्छा है. बिल्कुल, हम आगे बढ़े इसमें. अब आप लोगों को अब थोड़ा लामा फेरा के बारे में बताते हैं. अभी हमने बता दिया किस तरह से काम करता है, क्या होता है इसमें, ठीक है ना? जी मैम. क्योंकि लास्ट 15 मिनट्स हम मेडिटेशन करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और इसकी जानकारी दे देती हूँ. तो लामा फेरा इसी तरह से किया जाता है जैसे मैंने आपको बताया कि ढाई सर्कल लिया जाता है, ढाई चक्रा लिया जाता है. फिर उसका एक प्रोसेस है कि हर सिंबल को आपकी बॉडी में किस तरह से बनाया जाता है. इसमें तीन तरह की हीलिंग की जाती है. सबसे पहले जनरल हीलिंग, सबसे पहले होती है जनरल हीलिंग, ठीक है? तीन तरीके से काम करता है आपके ऊपर. सबसे पहले होती है जनरल हीलिंग, फिर उसके बाद आती है आपकी फिजिकल हीलिंग, सॉरी मेंटल हीलिंग, और फिर उसके बाद होता है हमारा फिजिकल हीलिंग. और जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है उसे हम आकाश में छोड़ देते हैं. और जो लोग ये सीख चुके हैं, यहाँ मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं पुराने बैच के, तो वो जानते हैं कि किस तरह से हम नेगेटिविटीज को भी निकालते हैं अपने अंदर से. तो इस तरह से तीन फेजेस में ये हीलिंग्स की जाती हैं, जनरल हीलिंग, मेंटल हीलिंग और फिजिकल हीलिंग, ठीक है? तो फर्स्ट फेज जो होता है उसमें आपको हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन दिया जाता है, चक्रास के ऊपर में कंप्लीट जानकारी दी जाती है. ये जो अभी दिया है ये थोड़ा सा एक जिस्ट है बस. इसमें आपको कंटिन्यूस मेडिटेशंस भी कराए जाते हैं, इनके ऊपर मेडिटेशंस होते हैं, फिर क्लीनिंग्स होती हैं. तो वो सारा फर्स्ट फेज का है जिसमें आप मास्टर हीलर का लेवल हो जाता है आपका, और आपको सिंबल सिखाए जाते हैं, छः सिंबल्स जो फर्स्ट हीलिंग उसके हैं मोडालिटी के. उसके बाद सेकेंड फेज आता है जिसमें आपको 6 पावरफुल सिंबल्स जो है टीचर लेवल के वो सिखाए जाते हैं. और ये आपका जो सेकेंड मंथ का कोर्स है वो उसके अंदर आता है. उसके बाद आपका थर्ड फेज आता है जिसमें आपको सिद्धिकरण कराया जाता है और अट्यूनमेंट्स दी जाती है. आई होप सो इस बारे में क्लियर है कि किस तरह से ये हमारा प्रोसेस चलता है लामा फेरा का. ओके, अभी अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो वो पूछ सकता है, क्योंकि अब हम मेडिटेशन करेंगे. आफ्टर 2 मिनट्स वी विल स्टार्ट द मेडिटेशन. मैम अभी मैंने एक जगह पे किया था, थोड़ा सा रेकी का किया था, तो वहाँ पे सर ने बताया था कि 21 डेज आपको कंटिन्यू उसको अपना करना पड़ेगा. जैसे 72 मिनट्स या कुछ, तो वो मेरे पास टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि नहीं हो पाता है, नहीं कर पाई मैं. तो क्या ऐसा भी इसमें भी है कि मतलब अगर इतना कैसे करेंगे, मतलब अगर टाइम की शॉर्टेज है तो कुछ शॉर्ट वाला या कुछ? हाँ जी, उसके लिए भी हम आ रहे हैं. जिनको टाइम कम है जी, उनके जी. लिए भी कुछ लेकर आ रहे हैं हम बहुत जल्द जी. ये हमने ये कोर्स जो बनाया है अपना, ये मेरे ख्याल से आचार्य जी आप आ सकते हैं इफ यू कैन
थोड़ा कोर्स के बारे में सबको बताएंगे तो अच्छा होगा आचार्य जी। अच्छी तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, आपको बता देती हूँ इसके बारे में डिटेल्स थोड़ी सी। ये जो हमारा कोर्स है ये 2 महीने का है जी मैम, और पर मंथ 923 रुपीज फीस है इसकी जी, तो बहुत मिनिमम है, सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले रहे हैं इसके जी मैम। और आपको वीक में दो क्लासेस, दो दो घंटे की क्लासेस होती हैं और डिटेल में आपको इसकी सारी जानकारी दी जाती है। 1-to-1 प्रैक्टिस होती है एक तरह से, आपको सारे सिंबल्स बनाने सिखाने और डीप, आप जब तक सीख नहीं जाते हैं हम आपका पीछा नहीं छोड़ते। वेरी नाइस मैम। रीजन ये है क्योंकि ये बहुत पावरफुल सिंबल्स है जी जी, तो इनको सही तरीके से बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है जी जी मैम, है ना। जैसे अगर आप डी को डी बना देंगे तो आपको बोल दिया जाएगा भैया इस बच्चे को तो डिसलेक्सिया है जी जी मैम, उसका मतलब खराब हो जाएगा, डेड की जगह वो बैड भी हो सकता है ना। उसी तरह से ये जो सिंबल्स होते हैं इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है आपको, ऑनलाइन कराई जाती है, सामने 1-to-1 कराई जाती है। एंड आई प्रिफर डूइंग दैट बिकॉज अगर मैंने आपको कुछ सिखाया है तो आई डोंट वॉन्ट कि आपको ये कहना पड़े कि भाई हमको समझ नहीं आया। और प्रैक्टिस इसलिए चाहिए कि अगर जैसे हम कहते हैं ना ABCD भी आप रात में बोलो मन में तो भी आपको पूरी आती है, उसी तरह से सिंबल्स आपके अंदर इस तरह से उतार दिए जाते हैं कि आप रात में भी उन्हें बनाएंगे ना तो आपकी उंगली उसी हिसाब से चले रट जाए, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएगा के। बिल्कुल जी मैम जी। और प्रोसेस भी आप लोगों को इसीलिए करवाया जाता है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, बताया जाता है पूरा प्रोसेस, प्रैक्टिकली बताया जाता है किस तरह से करना है। और दूसरा ये है कि आपको मेडिटेशन कराए जाते हैं, डेली मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन होते हैं, मैं आप लोग के साथ होती हूँ पूरा टाइम जी जी। तो ऑरा चक्र मेडिटेशन होते हैं, फिर उसके बाद सिद्धिकरण होता है। तो सिद्धिकरण जो है, जो आपने कहा कि आपको रेकी में भी कहा गया है, सिद्धिकरण वो होता है कि जो सिंबल्स होते हैं उसके साथ सिद्धिकरण किया जाए। ये या तो आप 11 दिन करें या 21 दिन करें, ये आपके ऊपर है, मैं आप लोग के साथ हर वक्त रहती हूँ। कितना टाइम लगता है मैम उसमें? ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20-25 मिनट्स मैक्स होता है, क्योंकि सिर्फ पहले आपको उसमें थोड़ा सा हम वो भी करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं उसके, लेकिन वो मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, बहुत ज्यादा करके आधे घंटे से ज्यादा नहीं, इतना तो चल जाता है मैम। लेकिन आप साथ में हो गए ना तो हम हाफ एन आवर का 1 आवर चले जाएंगे, लेकिन आप अगर हम लोग से एक आ जाना कि आप 72 मिनट बैठ के 72 मिनट बैठ के खुद से करो, तो फिर वो तो जानती है ना कि घर में तो, और लेडीज अगर हैं बच्चे हैं साथ में, तो खुद से पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं कर पाई, मेरा सब मिस हो गया, कोई बात तो कनेक्शन भी नहीं बन पाया उतना अच्छे से, तभी मैंने आज सोचा कि देखती हूँ अगर आपका कुछ समझ में आ जाएगा, मेरी समझ के अंदर समझ से परे नहीं होगा तो मैं कर लूंगी। बिल्कुल आप 10 बार पूछे, अगर कोई चीज क्लैरिटी चाहिए तो आप 10 बार पूछे, कोई प्रॉब्लम जी। क्योंकि मैम मेरे को बहुत से लोगों ने ये चीज सिग्निफाई की कि आपको जैसे BY है, बंधन योग है, कि मेरा सब में काफी टाइम से मेरे साथ में ना प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मेरी तबीयत, जब एक्सीडेंट की चोट सही होती तो तबीयत खराब, चोट तबीयत सही होती तो फिर से एक्सीडेंट, ये सब चीजें हो रही हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैंने ये स्कैनर के थ्रू भी पता कराया, और एक सर हैं उनसे भी, विजय दुबे सर हैं, अंकों के खेल पे ही हैं, तो उनसे भी मैंने कराया, तो उन्होंने भी यही चीज, सेम चीज बताई, बट उन्होंने सब चीजें करके दी, उसके बाद में भी मुझे फिर से वो निकल रहा है, बार बार स्कैनिंग के थ्रू भी निकल रहा है, और पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि मतलब जब कोई चीज हम ट्रीट कर लेते हैं तो फिर ऐसा क्यों। और आप बता रहे थे सर आपका बहुत अच्छा है, फिर भी कुछ ना कुछ निगेटिविटी आपके साथ में है, गॉड नोस क्या है, पता नहीं, ये लामा फेरा में सब निकल जाता है जब आपको अट्यूनमेंट्स दी जाती है ना जी मैम। उसमें फेजेस है, 3 अट्यूनमेंट्स होती हैं इसमें, फर्स्ट लेवल में 1 अट्यूनमेंट है और सेकंड लेवल में 2 अट्यूनमेंट्स है, उसमें सारी प्रॉब्लम्स निकल जाती है। मैम क्या ऐसा सुना है मैंने कि जैसे ऑनलाइन अट्यूनमेंट होता है तो वो उतना
कारगर नहीं होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है जैसे डायरेक्ट आप हेड पे हाथ ऑनलाइन रख के करो, तो वो एक अलग बात होती है। क्या ये ऑनलाइन कितना अटेनमेंट सिग्निफाई है? आजकल जो हो रहे हैं वो मॉब में हो रहे हैं, मतलब मास में दिए जाते हैं कि आप लोगों को क्या जाता है कि आप इतने से इतने के बीच में बैठ जाना, अपना फोटोग्राफ भेज देना, नाम दे देना, हम आपको अटेनमेंट दे देंगे, है ना। जी मेरा जी वो प्रोसेस नहीं है। मेरा प्रोसेस है कि मैं आपको इंडिविजुअल टाइम देती हूँ, आप जूम पर आते हो, आप मेरे बिल्कुल। सामने होते हो, तब आपको अटेनमेंट दी जाए। अच्छा तो मैम उसमें जो आप अट्यून करोगे तो हमें वो फीलिंग आएगी? बिल्कुल आएगी, और इसके लिए मैं जरूर अपने किसी ना किसी बिल्कुल पार्टिसिपेंट को बोलूंगी, आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि वो मैम, जरूर है। देखिए, जो कर चुका है, जो इस फीलिंग को ले चुका है, वो बताएगा आपको तो ज्यादा आपको समझ आएगा। यस मैम, यस मैम, तो जी बोले, ये मेरे पास लामा फेरा कर चुकी है, दोबारा करना यस चाह रही हूँ। यस, इतनी जबरदस्त फीलिंग और इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है अट्यूटमेंट में, जैसे मैम हमारे सामने ही है और हमें रूबरू ही वो अट्यूटमेंट दे रहे हैं, ऐसा ही फीलिंग होती है। और जैसे ही वो कंप्लीट करते हैं सारी प्रोसेस, तो ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी एकदम हल्का हो गया, जो भी नेगेटिविटी या फिर जो भी हमारे अंदर था, सब नेगेटिविटी या फिर पेन, वो एकदम से बस 13-40 मिनट्स में तो आराम से वो पता भी नहीं चलता हमें कि हमारे अंदर वो था। इतना जबरदस्त अट्यूनमेंट का एक्सपीरियंस तीनों टाइम हुआ है, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विथ अंशु मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू रितु जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा यहाँ पर? क्वेश्चन पूछना था मैम। हाँ जी, पहले आप पूछिए। इसके लिए रेकी सीखना जरूरी है क्या? नहीं जी, कुछ जरूर सीखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको जो लोग, जैसे अगर किसी को ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, वो भी बना सकता है, क्योंकि पिक्चर्स है, सिंबल्स है ना, जैसे हम ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, तो ये तो हर किसी को आ जाता है इजीली। रेकी का एक्सपीरियंस होना या रेकी सीखना जरूरी नहीं है लामा? नहीं जी, नहीं जी, ये लामा फेरा और रेकी दोनों अलग मोडेलिटीज है, दोनों डिफरेंट है। और फिर लामा फेरा के लिए जैसे बोलते कि उसका कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, वो सब जरूरी है क्या, माला वगैरह? देखिए, वो तो जरूरी है, अगर आप हीलिंग करना चाहते हैं तो मैं तो उसको रिकमेंड करूंगी ही, ठीक है। लोग कहते हैं हम बनवा लेंगे, लेकिन बनवाना बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो लामाज होते हैं वो भी इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना इसमें, जो एक आपको एक दिया हुआ है, जैसे डॉक्टर्स को एक कोट दिया जाता है, तो सारे डॉक्टर्स वैसे ही कोट पहनते हैं, है ना, तो इसमें भी कुछ, इसका भी तो कुछ सिग्निफिकेंस होगा, है ना। तो हम प्रेफर करते हैं कि आप ये पहने, माला भी पहने, मैं भी इसके बाद आपको बताऊंगी कि ये क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है, ये भी बताती हूँ। तो फिर ये हम लोग हमारे यहाँ पे भी स्टिच करा सकते हैं क्या ये? नहीं जो... देखिए, आप, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी आप स्टिच ना कराएं, ये आप पूरा इसका कंप्लीट किट आता है वही लें, ओके, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो किस तरह से बनाना है ना। चुन्नटे होंगे, आप देखोगे सब में ऐसी ही चुन्नटे मिलेंगी आपको, आगे पीछे इसी तरह से वो बनाया जाता है, गाउन का एक स्ट्रक्चर है, वो इसी तरह से बनाया जाता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। वो किट कितने का आता है मैम, उसमें माला वगैरह, स्टिक वगैरह सब? हाँ जी, सब अभी बताती हूँ मैं, हम जरा ये अपना प्रोसेस पूरा कर ले, फिर उसके बाद मैं उस पे भी आती हूँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम अगर हम लोग ये नहीं पहनते हैं तो क्या उसके कोई साइड इफेक्ट, या मतलब साइड इफेक्ट नहीं है? आप हीलिंग्स नहीं कर पाएंगे। ओके, अपनी भी मैम, दूसरे की भी? हाँ, किसी अपनी अपनी भी नहीं कर सकते आप हीलिंग्स? देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें भी आप मेरे को ये रोब पहने तो देख रहे हैं, ये माला जी, भी जी। आप देख रहे हैं, ये जो माला है, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ गुदा हुआ है। ओके मैम जी, दिख रहा है आपको सबको? जी जी मैम, दिख रहा है ना, हल्का हल्का दिख रहा है, ठीक से विजिबिलिटी नहीं आ रही मैम। हाँ अभी देखिए, हाँ हाँ जी जी, तो इसके ऊपर भी सिंबल्स गुदे हुए हैं। ओके, और ये माला का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप ऐसे डेली वेयर में भी इसको पहनते ना, अंदर आप पहन लो, अंदर कर लो जी जी, तो ये आपको हर तरह की नजर से भी बचाती है।
मैम पहले से कुछ अगर प्रॉब्लम है, निगेटिविटी इम्पैक्ट हो रखी, तब भी वो सेफ रखेगा उससे? बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप जब सीख लोगे ये तो आपके अट्यूनमेंट्स हो गए, अट्यूनमेंट्स में ये सब निकल जाता है तो आप प्योर हो गए, जी। अच्छा है मैम ना? एक चीज और मैंने सुनी है, मैं क्वेश्चन हाँ ज्यादा बोलिए कर बोलिए। रही हूँ, आई थिंक और भी लोगों को क्लियर होगा कि अगर हम ये मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ऑलरेडी ऐसा होता है कि हमारी जो निगेटिव एनर्जीज हैं वो हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका होता है कि वो एनर्जीज एंट्री करने में भी मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होती उनके लिए। तो क्या ये कितना सच है आपके आप अकॉर्डिंग? मुझे एक बात बताएं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं आपके साथ करा रही हूँ जब तक आप कर रहे हैं, अभी आपने खुद ही ने कहा कि अपने आप से नहीं होता है, नहीं तो नहीं आप मैम, ये चीज कितना मैम मेडिटेशन में करती हूँ, लेकिन उन आपने सर का नहीं कर रही, दूसरे का कर रही हूँ, तो मुझे इंट्यूशन भी फील होता है। और मुझे जैसे कोई चीज मैं बोलती हूँ ना, कभी कभी मुझे फील आता है कि मैं जो बोल रही हूँ मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं पता मैं कुछ नहीं सोच रही होती और मेरे मुंह से निकलता चला जाता है और सामने वाला बोलता है यस 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 यस। तो बिल्कुल ऐसा भी बिल्कुल, हुआ है कई बारी, हमेशा नहीं होता आपने जब अपना मैं ऑरा चक्र क्लीन किया ना इस वजह से, अभी वही है, आप जी। देखो खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो कि हमेशा नहीं होता है। हमेशा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम चीजों को बहुत नेगेटिविटी हम अपने आप ही अट्रैक्ट करते जाते हैं, ना जैसे चाहते हुए भी आती है। मैं 1 वीक से मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही, तो मुझे बहुत ज्यादा निगेटिविटी से फील होती है। ऐसे कभी कभी मेरे ही माइंड में निगेटिव थॉट्स आते रहते जाते रहते हैं, होता और जब मैं है, करने लगती हूँ तो मैं बिल्कुल हैप्पी फील करती हूँ, नॉर्मल फील करती हूँ खुद को, ऐसा है। देखिए हमारे दिमाग में ना 60 बिलियन सेल्स हैं, ठीक है? अभी 60 बिलियन सेल्स में अगर मैं परसेंटेज आपको बताऊं तो अगर एक हम आंकड़ा लेते हैं, अगर 100 सेल लेते हैं तो उसमें से 95 जो हमारे थॉट्स आते हैं ना, अगर 100 थॉट आ रहे हैं तो 95% थॉट्स नेगेटिव होते हैं, सिर्फ 5% थॉट ऑटोमेटिकली हमें पॉजिटिव आते हैं, ठीक है ना? तो उसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, राइट? आपकी आवाज, आप म्यूटेड हो, क्यों मैम क्या उनको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है हमारे नहीं निगेटिव किया थॉट्स, जा क्योंकि सकता? वो बिल्कुल किया जा आते सकता, ही हैं? और मेरे को एक डर सा रहता है, जैसे मेरे हस्बैंड बाहर गए, बच्चे बाहर गए या कुछ हुआ, तो मेरे के अंदर एक डर ये रहता है कि ये सही से गए सही सलामत वापस आए। मैं मनाती रहती मन नहीं मन की सब कुछ अच्छा होगा, हनुमान जी आप उनकी रक्षा करना, ऐसा से बोलती रहती हूँ, और वो चीज होती भी है, सब सही रहता है। लेकिन एक मन में ये जो डर भरा है ये पता नहीं कई सालों से है मुझे, मतलब अपनी फैमिली को लेके या इस टाइप का, अपने लिए कभी नहीं डरती हूँ मैम, लेकिन फैमिली को लेकर है बस। आपको जनरली कॉन्स्टिपेशन या गैस का प्रॉब्लम रहता होगा? नहीं नहीं कभी नहीं मैम, कभी नहीं बिल्कुल हुआ? बॉडी फिट रहती है, हाँ कोई और दिक्कत एकदम नहीं फिट है। है, तो डर नहीं क्यों है फिर? आई डोंट नो, मैं पता नहीं क्यों मैम, कुछ घटनाएं लाइफ में ऐसी हो जाती है ना कि वो कहीं ना कहीं मन में या दिल में एक डर सा बैठ, मतलब ये जैसे लगता है ना सालों पुरानी ही टेंडेंसी है। मुझे बचपन से पापा को लेकर पहले बहुत लगता था, अब जब शादी हो गई बच्चे हो गए ठीक है, पापा समझ गए से, हाँ वो समझ चीज है गए, एक मन में, मतलब मेरी मदर एक्सपायर हो गई तो पापा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था, तो मेरे अंदर ये था ना, मैं 8 ईयर्स की थी तब मदर एक्सपायर हुई थी, तो मुझे था ना मम्मी चली गई है तो अब पापा को कुछ ना हो जाए, ये पता नहीं वो मतलब जैसे लग रहा है ना बहुत अंदर से बहुत काफी सालों का है, तो वो समझ टेंडेंसी इधर गए। ट्रांसफर हो गई है फैमिली को लेकर। तो ठीक, इसके लिए मैम क्या कर ये सकते? सब निकल जाएगा, अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब निकल जाएगा। आपका फर्स्ट अटूनमेंट के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कुछ ऐसा सोचती भी थी मैं। अगर ऐसा हो जाए मैम तो सो थैंकफुल, क्योंकि मुझे ना ये अंदर ही अंदर ये आप खुद चीज फील डिस्टर्ब करोगे, आप करती खुद है। हाँ फील करोगे। जी, ठीक है, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ कोई कुछ कहने, हाँ श्रीजीत जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ जी बताएं। मैं लामा सरा में ज्वाइन किया था लक बाई चांस, मुझे पता नहीं था लामा सरा क्या है पहले, और फर्स्ट सिद्धि ग्रंडे 19 नवंबर 2021, उस दिन में मुझे पहली बार वाडिस एनर्जी वो पता चला, और इट वॉज एन क्या कहे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस।
मैडम जी ने हमेशा कहते हैं ये लामा सारा सिंबल्स आर वेरी पावरफुल उस दिन में जाना कितना पावरफुल है। बिल्कुल। उसके बाद मैं कंटिन्यूस मेडिटेशन कर रहा हूँ 5 बजे फॉर माय माइंड एंड बॉडी आई हैव लॉट ऑफ चेंजेस बहुत सारे नोटेबल चेंज आ गया है। I will recommend all of you to join this course with Tanshu ji. वो एक individual का ध्यान देता है और उसका कमियां बोलते हैं, कहां कमी है सब बोलते हैं और मैडम जी को कहीं भी आप फोन कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। It's a life changing experience for me. I will recommend all of you to join. Thank you. थैंक यू श्रीजी जी। श्रीजी जी को थोड़ा सा हिंदी और उसका थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो इट्स ओके। और श्रीजी जी का मैं आपको बताऊं जो वो कह रहे हैं ना उन्हें एक्सपीरियंस हुई थी वो चीज, तो जब उन्हें वो एक्सपीरियंस हुआ था तो ही वाज इन ट्रांस। ओके। तो वो इतने जबरदस्त ट्रांस में थे कि उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो वापस कैसे आए। अभी जैसे आपने पूछा था ना कि ऑनलाइन कैसे होता है, क्या हमें फीलिंग्स आती है, तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं हमेशा इसलिए 1-to-1 जो कहते हैं ना हम जो ग्रुप में करते हैं सामने करते हैं वो इसी वजह से करते हैं ताकि हमें पता हो कि सामने हो क्या रहा है। मैम आप बिलीव करोगे आज मेरा बिल्कुल माइंडसेट नहीं था कि मैंने कल देखा था ये मैसेज बट टाइम नहीं देखा था तो आज मेरा माइंड बिल्कुल सेट नहीं था। मैंने सोचा ये मेरे बस का नहीं है, रेकी बस का नहीं था तो ये तो और ज्यादा टफ होगा तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगी। और सडन पता नहीं कैसे मेरा मैंने उठाया मैसेज देखा वही 11:15 के आसपास 11:30 के आसपास मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया कि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मुझे एक बार देखना है इसमें है क्या चीज, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम इंटरनली या इमोशनली प्रॉब्लम से सफर कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ अच्छा है मैम लेकिन एक जो मैंने अभी आपको बताया ना जो डर बैठा है मन में और कुछ ऐसी जो मेरे साथ में मुझे लगता है ना निगेटिविटी क्यों मेरे साथ में है जबकि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ इतना सब चीजें हैं तो कुछ तो हो सकता है कुछ मेरे समझ में आ जाए और मैं इसको फॉलो करूं तो मैं करूंगी। मैम कब से आपका कोर्स आ रहा है? बस जी शुरू ही हो गया है इसलिए हमने कहा कि हाजी मैम आपको डिटेल अभी बता देते हैं उसको तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कर लीजिए इसको क्योंकि जो छोटी ये सब जो चीजें ना ये बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। जी 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 मैम ठीक है। तो अभी मुझसे किसी ने कुछ ड्रेस के बारे में भी पूछा था तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ फिर हम मेडिटेशन करेंगे। जस्ट एक सेकंड। ओके मैम। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर लामा फेरा किट के बारे में डिटेल दिया हुआ है। इसमें एक मरून रोग होती है, एक स्केचू माला होती है, एक हीलिंग वैंड होता है, एक यंत्रा होता है जिसमें बुद्धा की पिक होती है विथ सिंबल्स और 4 अर्दन स्टिक्स होती है 4 अर्दन स्टिक्स। ठीक है मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। ये लॉर्ड बुद्धा का यंत्रा है ठीक है ये आपको मिलता है, ये स्केचू माला जो मैंने पहनी हुई है, उसके बाद मरून रोब मैंने पहनी हुई है, ये हीलिंग वैंड है, इसके ही थ्रू आपकी हीलिंग्स होती हैं। इसमें क्रिस्टल्स हैं, ये स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं जो आपको इसके अंदर आपकी एनर्जीज ब्लॉक होती हैं रिलीज होती हैं ये सब काम करता है ठीक है। और उसके बाद आपका ये होते हैं 4 अर्दन स्टिक्स जो उसमें लिखे हैं, दीज आर 4 अर्दन स्टिक्स। तो ये आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में जो शिव शक्ति एनर्जी है जो फीमेल एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करने में यूज किए जाते हैं। आई होप सो आपको किट के बारे में डिटेल क्लियर हो गया है अभी। जी मैम। जी मैम।
मुझसे किसने पूछा था इसके बारे में, इसके रेट क्या रहेंगे मैम? हाँ जी, देखिए मार्केट में इसका जो रेट है वो 5,000 है मिनिमम, और आप अगर आचार्य जी के यहाँ से लेते हैं तो वो हम आपको 3,000 प्लस 100, 3,100 का इसका चार्ज है। इसमें आपको ये सब आपके यहाँ जो आप एड्रेस देते हैं वहां तक पहुंच जाता है, ठीक है? अकेडमी के आप लेंगे तो इतने में पड़ेगा, बाकी बाहर आपको मिल जाएगा, बट वो फिर आपको देखना होगा, ठीक है? और इस कोर्स की जो फीस है वो मैंने आपको बताई दी है, 923 रुपीज पर मंथ है। ये कोर्स 2 महीने का है और वीक में 2 क्लासेस होंगी इसकी, 2-2 घंटे की। तो इस तरह से ये हमारा जो फुल कोर्स है ये 40 आवर्स का होता है। अंशु जी क्या मैं स्लाइड शेयर कर दूं? हाँ जी प्लीज, मैं वेट कर रही थी, मैंने आपको दो एक आवाज भी दी बट आई थॉट कि आप लोग है नहीं। मैम इसको कोर्स के ड्यूरेशन में ही लेना, मैम कोर्स के ड्यूरेशन में ही लेना जरूरी है या बाद में भी ले सकते हैं? क्या मैम ये जो किट आपने बताई है, देखिए कोर्स के बीच में जब आप अट्यूनमेंट्स लेते हैं अच्छा होगा अगर आप ले लें, क्योंकि हीलिंग्स आप करना तभी मैं आपको बोलना शुरू कर देती हूँ फर्स्ट लेवल के बाद ही कि आप लोग स्टार्ट करो हीलिंग्स। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर फॉर यू, ग्रुप होता है, पूरा संघ होता है आपके साथ आपको हेल्प आउट करने के लिए, है ना? जब हमें कोई चीज सीखनी है तो फिर तरीके से सीखें, राइट? और जब सब आपको हेल्प करने के लिए हैं, आसपास सब लोग हैं, आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग हैं, सब हैं। तो ये इस तरह से है, आप लेवल 1 देख सकते हैं, इसमें आप मास्टर हीलर बन जाते हैं, ये आप खुद की हीलिंग कर सकते हैं, अपने घर वालों की हीलिंग कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बोलती हूँ जितनी ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, ठीक है? फिर इसके अंदर हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं लामा फेरा का, हिस्ट्री दिया जाता है, इसका लाइनेज होता है कि बुद्धा के बारे में आपको डिटेल्स बताई जाती हैं, वो किस तरह से इमर्ज हुए, किस तरह से आपकी व्हील ऑफ लाइफ वर्क करती है। अभी तो जो आपको बताया गया है वो एक छोटा सा एक पार्ट था उसका, आपको डिटेल में पूरी नॉलेज दी जाती है। उसके बाद ऑरा चक्रा होता है, उसको किस तरह से एनर्जाइज करना है वो सिखाया जाता है। फिर मेडिटेशन होते हैं ऑरा चक्र के ऊपर। उसके बाद लामा फेरा का जो फर्स्ट हीलर लेवल है उसके 6 सिंबल सिखाए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, उसका प्रोसेस सिखाया जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको फर्स्ट अट्यूनमेंट दिया जाता है जिसे जनरल हीलिंग कहा है। उसके बाद 11-21 डेज इसका सिद्धिकरण होता है, गाइडेड सिद्धिकरण होता है ये। तो मैं आपके साथ रहूंगी पूरे 21 दिन तक, जो 21 दिन तक करना चाहे 21 दिन तक करें, या 11 दिन तक करना चाहे 11 दिन तक करें, वो आपके ऊपर होता है, ठीक है? और रोज वो मैं ही कराती हूँ आपको। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड मंथ का सेकेंड लेवल है जो मास्टर टीचर लेवल है। मास्टर टीचर लेवल में आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं। इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स किस तरह से लामा फेरा में यूज किए जाते हैं वो भी बताया जाएगा। आपको लामा फेरा का सेकेंड लेवल के 3 सिंबल्स होंगे, उसके बाद आपका सेकेंड अट्यूनमेंट होगा। इंडिविजुअल अट्यूनमेंट्स होते हैं, ग्रुप में अट्यूनमेंट्स नहीं होते हैं। इंडिविजुअल आपको जूम लिंक भेजा जाता है, आप आते हैं उस टाइम पर और आपको अट्यूनमेंट दी जाती है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 सिंबल्स होते हैं, फिर 3rd अट्यूनमेंट होता है। आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन भी लिया जाता है कि आप किस तरह से आप उसको कर रहे हो डेली बेसिस पर, किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हो वो भी बताया जाता है। फिर एंड में आपको जो सेकेंड लेवल है उसके एंड में आपको रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी आपके अंदर से जो ब्लैक मैजिक है वो कैसे निकालना है, आपके घर ऑफिस फैक्ट्री में से किस तरह से निकालना है, और वास्तु हीलिंग सिखाई जाती है, ठीक है? उसके बाद उसका जो है वो जो लास्ट 6 सिंबल्स है उनका जो है वो सिद्धिकरण होता है, वो भी गाइडेड सिद्धिकरण होता है, वो मैं आप लोगों के साथ ही करती हूँ। कोर्स का कंटेंट आप लोगों को सबको क्लियर है? मैम लास्ट वाला कौन सा बताया आपने? अट्यूनमेंट लास्ट में आपको वास्तु हीलिंग कर बताई जाती है, सिखाई जाती है जी, और उसके बाद सिद्धिकरण होगा वो लास्ट 6 सिंबल्स का 11 दिन का। ओके ओके ठीक है मैम।
ठीक है ना। ये क्लासेस रहेंगी मंडे एंड थर्सडे 3 to 5 PM और ये आपका 2 months कोर्स रहेगा। इसमें आपको लाइव जूम सेशंस मिलेंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जो अंशु जी साथ साथ आपको कराती रहेंगी। हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे जो अंशु जी आपको हमेशा टाइम टाइम पर कराती रहेंगी। आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, हमारी एक ऐप है, आपको जो भी आप फर्स्ट डे करते हैं तो आपको नेक्स्ट डे उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और डिजिटल सर्टिफिकेट हम देते हैं, स्टडी नोट्स अंशु जी प्रोवाइड करेंगे आपको और अटेनमेंट्स भी हैं इसमें। तो ये आपका एक वो रहेगा, आप चाहें तो इसकी फोटो क्लिक कर सकते हैं। देन ये कोर्स भी है, इसका 923 per month है, यानी कि आपको ये 2 months का कोर्स है। अगर आप 923 per month देना चाहते हैं तो आप पर मंथ दे सकते हैं, और आप वन गो में देना चाहते हैं तो देन यू विल हैव टू पे 1846। ये हमारी पेमेंट डिटेल्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, फोन पे किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अकाउंट नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। टाइमिंग तो चेंज नहीं होता है ना? टाइमिंग टाइमिंग तो 3 to 5 चेंज नहीं होता है ना? हाँ जी मैम, 3 to 5 PM इट इज कन्वीनियंट फॉर अस। अच्छा, क्योंकि हमारा मंडे को टैरो का भी क्लास है ना, इसीलिए पूछ रही। मंडे टैरो तो मैम वो 7:30 या 7:45 होता है। हाँ, हाँ, 8 to 10 रहता है, इसीलिए पूछे मैं, दोपहर में रहेगा ना ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके, थैंक यू मैम। ठीक है अंशु जी, एनीथिंग एल्स? नहीं जी, बस इसमें इतना ही है कि आपको डिटेलिंग इसी तरह से इसमें आपको जो पूनम जी ने बताई है वो यही है। सेकेंडली आप लोग जो भी इनरोल करना चाहते हैं वो कर लें, क्योंकि हमारी 3 से 5 आज फिर से क्लास है, जो पेड मेंबर्स हैं उनकी क्लास होगी वो, तो जो भी इनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और आप लोग पूनम जी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं जिसको भी करना है। और उसके बाद फिर हम 2 मिनट में मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा नंबर है, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ पर्सनली, ये मेरा नंबर नोट करें आप प्लीज, दिस इज माय नंबर, इट इज 7982552301। आप पूनम जी से कनेक्ट कर सकते हैं और आगे का डिटेलिंग करके आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, क्योंकि अभी 3 बजे से जो सेशन है वो शुरू हो रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच अंशु जी, आप करा लीजिए अपना मेडिटेशन। जी थैंक यू, ओके थैंक यू। इस बारे में किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अभी पूछ लीजिए, सो दैट हम फिर आगे इसमें अपना सेशन शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कोई डाउट्स है तो पूछ लें प्लीज, आई होप सो, नो डाउट्स, इट्स ऑल क्लियर। अच्छा है, किसी को कुछ डाउट्स ही नहीं है, वेरी नाइस। चलिए फिर, आपने मैम डाउट छोड़े कहां है, सो नाइसली दे एक्सप्लेन, सो नाइसली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो चले हम मेडिटेशन करेंगे, और उसके लिए प्लीज जो लोग कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया और भी बाकी लोगों ने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। हाँ जी, तो 3 बजे क्लास है, क्योंकि क्या होता है देखिए, मेडिटेशन जब आप करते हैं ना तब कभी कभी आपके कहते ना लॉ लग गई, तो आप ट्रांस में चले गए, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन गया है और कौन मेरे साथ है। आप लोग जब स्क्रीन पर रहते हैं तो आई कैन मेक आउट कि हाँ इनके ऊपर ध्यान देना है मुझे, है ना। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर हाँ आप ड्राइव कर रहे हैं तो ना करें, मेडिटेशन भी ना करें, सिर्फ सुन लें, लेकिन अदरवाइज प्लीज बी विथ मी विथ योर वीडियोज ऑन, बिकॉज मैं आप लोग को सबको वॉच कर रही हूँ। ओके चलिए, कोई बात नहीं,
चले हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे. आप लोग आंखें बंद करें, स्पाइन को सीधा रखेंगे और जहां तक हो सकेगा जमीन पर पैर रखेंगे. उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगी, हमें जमीन पर पैर क्यों रखना होता है. लंबी गहरी सांसें लेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे. चलिए आपका एक आज अलग टाइप का मेडिटेशन करते हैं. आप में से कभी कहीं पर किसी को कुछ पेन है क्या, फिजिकल पेन? हाँ रितु जी, आपकी उंगली मैं देख सकती हूँ इस तरह से है. मुझे बताइए कहाँ है. आप लोग बस उस चीज को ध्यान रखिएगा. मैम मेरे को पैर में है. आप बताए नहीं, देखिए वो आपका दर्द है, आपको खत्म करना है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगी. सब लोग म्यूट कर लें अपने आप को. जिसको जहां दर्द है बस हाँ बोले कि मुझे है, इतना बहुत है. अगर कहीं फिजिकली किसी को पेन है कहीं पर तो बताएं कि हाँ है मुझे दर्द, कहाँ है वो मुझे नहीं जानना है, वो आप अपने आप ठीक करिए. ठीक है, चलिए आंखें बंद करेंगे, स्पाइन को पीछे की तरफ खींचेंगे और स्पाइन को सीधा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है शोल्डर्स को पीछे खींचिए. शोल्डर पीछे खींचेंगे स्पाइन अपने आप सीधी हो जाएगी. लंबी गहरी सांसें लेंगे और जब हम सांस लेते हैं तो सांस को आप अपने नाभि तक लेके जाइए. मीना जी आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, अच्छा वो आपका हाथ है ना ऊपर, मैंने कहा पहले क्लियर कर ले हम, नहीं तो फिर ओके. मैम एक चीज और, हाँ बोलिए. जो हम लोग को पैर रखना है वो फ्लोर पे डायरेक्ट रखना है, स्लीपर नहीं पहनना है ना? स्लीपर की जगह मोजे पहन ले, चद्दर रख ले, कुछ भी रख ले. स्लीपर एक्चुअली रबर और उसकी होती है ना, इस वजह से. एक्चुअली मैम बहुत गलन और ठंड है ना इधर, तो मैं लखनऊ से हूँ. कुछ भी रख लीजिए पैर के नीचे, बहुत चीजें होती है रखने के लिए, है ना. कुछ तकिया रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. मैट वगैरह कुछ डाल ले रही है. एनीथिंग. स्लीपर्स अवॉइड करते हैं क्योंकि स्लीपर से हम हर जगह जाते हैं ना, तो थोड़ा अवॉइड करना है. और कोई रीजन? चलिए हम स्टार्ट करें, सभी वेट कर रहे हैं. सब लोग आंखें बंद करेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. जब हम इनहेल करेंगे तो नाक से करेंगे और जब हम एक्सहेल करेंगे तो मुंह से करेंगे. और इनहेल करते वक्त ध्यान रखें आपकी सांस आपकी नाभि तक जानी चाहिए. लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस को बस फॉलो करें. गहरी सांस लेंगे, नाभि में रोकेंगे और फिर मुंह से बाहर निकालेंगे. जिस तरह से आपकी सांसें आपकी चल रही हैं उन पर ध्यान देंगे. एक नाक से आ रही है या तो आप चंद्र नाड़ी से उसे अंदर ले रहे हैं या सूर्य नाड़ी से ले रहे हैं. मैं अलोम विलोम नहीं कराऊंगी आपसे, आप अपने आप सांस लें जिस तरह से भी आपको कंफर्टेबल है. जब आपकी नाभि में सांस जाती है तो आप इमेजिन करें कि सारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रहा है और वो बहुत खुश है कि उन्हें आपने ऑक्सीजन दिया. और जब आप सांस बाहर निकालते हैं मुंह से तो सारी नेगेटिविटी, सारी प्रॉब्लम, सारे दर्द बाहर निकल रहे हैं. अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाएंगे, पैरों के अंगूठों पर लेकर जाएंगे,
उन्हें रिलैक्स करेंगे, ध्यान अपना अपने पंजों पर फुट पर लेकर जाएंगे और उसे रिलैक्स करेंगे। एंकल पर, एड़ी पर, और अगर कहीं पर भी दर्द आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन आपको फील हो रहा है तो उसको ब्लैक कलर का एक पेंट लगा दीजिए, जैसे हम मार्किंग करते हैं ना उस तरह से एक इमेजिनरी पेंट ब्लैक कलर का वहां लगा के छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने काफ मसल्स पर लेकर आएंगे। अपने नीज पर, थाई मसल्स पर, बट्स पर, हिप्स की बोन्स। नाउ रिलैक्स योर लोअर बॉडी, जस्ट रिलैक्स। अपना ध्यान अपने पेट पर लगाएंगे, स्टमक पर, लोअर बैक, मिडल बैक, अपने बॉडी के ऑर्गन्स को देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है आपका उस पर ध्यान लगाएंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, पीछे की तरफ किडनी होती है लोअर बैक की तरफ, उस पर ध्यान लगाएंगे, उसे रिलैक्स करेंगे। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देंगे, उन्हें रिलैक्स करेंगे। ध्यान थोड़ा और ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, लिवर, पैनक्रियास, लेफ्ट साइड स्प्लीन, राइट साइड लिवर, उनको रिलैक्स करेंगे। इमेजिन करेंगे कि वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहे हैं। ध्यान और थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लंग्स, मिडिल बैक, और थोड़ा ऊपर की तरफ आपके हार्ट पर, और देखिए कितने ब्यूटीफुली वो धड़क रहा है, कितने अच्छी तरीके से वो ऑक्सीजन पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है और सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा है। तो मूवमेंट्स को फील कीजिए। अपर बैक पर ध्यान देंगे, उसे रिलैक्स करेंगे। अपने शोल्डर्स पर ध्यान देंगे, आर्म्स पर, कोहनियों पर, फोर लिम्स, कलाइयां, रिस्ट, पाम्स, फिंगर्स, जस्ट रिलैक्स। अपने गर्दन पर ध्यान देंगे, गले पर ध्यान देंगे, चीक बोन्स पर ध्यान देंगे, फेशियल मसल्स, लिप्स, ईयर, नोज, आईज, आईब्रोज, टेम्पल्स, जिन्हें कनपट्टी भी कहते हैं, उसको रिलैक्स करेंगे। अपने माथे को रिलैक्स करेंगे, ललाट, बालों की जड़ों को रिलैक्स करेंगे, अब आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, तो कंप्लीट बॉडी इज रिलैक्स नाउ।
और जहां जहां पर पेन था आपने उसे ब्लैक पेंट किया हुआ है। नाउ इमेजिन आप मदर अर्थ के ऊपर बैठे हैं, यू आर सिटिंग ऑन मदर अर्थ। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। अपने भगवान का आह्वान कर रहे हैं, अपने डेटी का आह्वान कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी को आप मानते हैं, जिसकी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपके सामने है। आप दोनों हाथ उनके सामने जोड़ते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अब आप इमेजिन करेंगे कि जिस जिस बॉडी पार्ट पर आपको पेन था वहां से वो ब्लैक कलर का जो पेंट है वो आप खींच के बाहर निकाल रहे हैं। आप अपने फिजिकल हैंड को लीजिए और जिस तरह से हम किसी चीज को पकड़ के खींचते हैं उस तरह से अपने राइट हैंड से उस चीज को, उस दर्द को या उस ब्लैक पेंट को आप खींच के बाहर निकाल। आप लोग कीजिए, सब लोग कीजिए, अपने फिजिकल हैंड से उसको बाहर निकालें और एक सामने एक जगह पर उसको इकट्ठा करते जाए जहां पर भी बॉडी में आपको पेन है। अब इस ब्लैक पेंट को इकट्ठा कीजिए और एक बॉल बनाइए, दोनों हाथों की को यूज करके उसकी बॉल बनाइए। बड़ी सी बॉल बनेगी, कंक्रीट की तरह पत्थर एकदम ब्लैक कलर की, और आप देख पा रहे हैं सूरज कहाँ है। इस बॉल को अपने फुल फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ उस सूरज में फेंक दीजिए। दोनों हाथों से उठाइए उस बॉल को और सूरज में फेंक दीजिए, अभी और इसी वक्त फेंकिए उस बॉल को, फेंकिए सूरज में, फेंकिए। नाउ रिलैक्स, आपके भगवान आपके सामने खड़े हैं, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं उनके हाथ से एक व्हाइट कलर की लाइट, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। इस ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए, अपने ऊपर लीजिए, अपने अंदर लीजिए, अपने क्राउन चक्रा से उसे अंदर आप ले सकते हैं। बी इन दिस ब्लिसफुल मोड फॉर फ्यू सेकेंड्स। Slowly, slowly, come back. आप जहां बैठे हैं सेल्फ अवेयर हो जाएं।
दोनों हाथों को थोड़ा मूवमेंट्स देंगे, पैरों को मूवमेंट्स देंगे, अपने बॉडी को मूवमेंट्स देंगे। आंखें बंद ही रखिए अभी, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने फेस पर लगाएंगे। और एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। आई होप एवरीवन इज विथ मी। मैं सबके नाम लूंगी, प्लीज या तो थम्स अप दिखाएं या फिर अपना वीडियो ऑन करें। संतोष जी, श्रीजीत जी, अरे आप डबल हैं, ओके। अमीशा जी, वैशाली जी, जैवन जी, दुर्गेश्वरी जी एंड आभाश्री जी, आर यू विथ मी? आर यू ऑल विथ मी? एटलीस्ट थम्स अप दिखाएं, कम ऑन। ग्रेट। नहीं, जिनको मैं देख पा रही हूँ उनको देख पा रही हूँ, लेकिन जो नहीं है स्क्रीन पर मैंने उनके नाम लिए हैं। At least I should know कि you are with me. That's it, nothing else. आप लोग क्लास में ही तो नहीं होते तक। बहुत बढ़िया रहा मैडम अनुभव। अच्छा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा मैम। Thank you so much. अब आप बताएं, जहाँ पर आपको पेन हो रहा था उसकी इंटेंसिटी कुछ कम हुई? जी मैम, फील हो रहा है। मैम ये बताइए, हाँ, जो बॉल बना के फेंकनी, तो वो हाथ से सच में ऐसे करनी थी या विजुलाइज करना था? अब विजुलाइज, देखिए क्या होता है, जब हम अपने हाथ से कोई काम करते हैं ना तो हमें याद रह जाता है और हमें लगता है कि कुछ करा हमने। हाँ हाँ, बस वही लग रहा था मैम, पहले मैंने हाथ जब कर डाला फिर फेंकने में विजुलाइजली फेंका। कोई बात अभी भी उठा के आप खिड़की से बाहर फेंक दो अगर आपको ऐसा लग रहा है वो वही है तो। नहीं, मैंने मैम फेंक दिया, वो सन में जाके मर्ज हो गया वो, ऐसा फील आया। इट्स गुड, इट्स गुड, थैंक यू मैम। आई होप सो एवरीवन एंजॉयड दिस मेडिटेशन। ये एक छोटा सा मेडिटेशन है, इसका भी बहुत हाई लेवल के हम मेडिटेशंस करते हैं डेली बेसिस पर। तो वो ऑब्वियसली वो एक संघ है तो उसके साथ करते हैं, सब मिलकर करते हैं तो मजा भी और आता है, सब एंजॉय करते हैं उसको, ठीक है? तो एनीथिंग एल्स, अगर किसी को कुछ पूछना है अभी भी आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक मिनट और है हमारे पास, फिर हम नेक्स्ट सेशन की तैयारी करनी है हमें। जमीन के ऊपर रखना ऐसे बोले ना, इसके कारण मैम। तो इसका कारण ये है कि ये ग्राउंडिंग हो जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, जब एनर्जीज हमें नहीं पता हमारी बॉडी हमारे हमें कितना सपोर्ट करेंगी वो एनर्जीज को लेने के लिए, राइट? अब भगवान की एनर्जी है वो देता है, तो कहते हैं ना छप्पर फाड़ के देता है, तो एनर्जीज भी हमारे पास छप्पर फाड़ के ही आती है। जिस तरह से माँ गंगा जब धरती पर आई थी तो उनका वेग धरती संभाल नहीं पाई थी। जी। तो बस वही चीज है, वही वेग होता है एनर्जीज का, उनके पास कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, है ना? मैम ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी एकदम सनसना गई है बहुत तेज से, ऐसा ये सही है या सही फील होता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ज्यादा सभी फील हुआ है। मैंने आपको बताया ना किसी को उस दिन बहुत, मतलब हम खुद उनको ऐसे बार बार आवाजें दे रहे थे, आप आ जाओ बस बहुत हो गया, उनका आने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा तो होता है मैम कि कभी कभी कोई जैसे नहीं अगर हमें डिस्टर्ब करता है ना तो ऐसा लगता है वही रह गए हैं, ऐसा फील होता है। इसलिए मैंने कहा कि मुझे आप लोगों को देखना है कि आप लोग यही है, कहीं ट्रांस में तो नहीं है। अगर मैं आपको वहां लेके जा रही हूँ तो मेरी ही ड्यूटी है आपको वापस भी लाना जी, इसलिए मैं कहती हूँ ये सब गाइडेड मेडिटेशंस होते हैं। मैम अगर बिना गाइडेंस के करना चाहे तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं? अभी देखिए वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कनेक्ट होते हैं स्पिरिचुअली जी। अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली यू नीड टू कम बैक, क्योंकि संसार है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो करना उतना ही चाहिए जितना हमारी स्थितियां, हमारा शरीर, हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोग हमें अलाउ करें, राइट? तो आज का सेशन हम खत्म यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? आप लोगों को जिसको भी ज्वाइन करना है आप लोग आ सकते हैं, अभी 3 बजे फिर दूसरा सेशन है तो वो पेड सेशन होगा।
ठीक है मैम, ये जो आपने व्हाइट कलर की कुछ वो पेन रखी है ना हाथ में, क्रिस्टल है क्या है, तो ये भी मिलेगा? स्फटिक है? नहीं नहीं, ये मेरा वो है, ये स्फटिक है जी, तो ये थोड़ा कूल रखता है आपको, ठंडा होता है। हाँ मैम, मेरे को तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, मैं कूल रहना चाहती हूँ। वो अपने आप सब ये जब एनर्जी आपके अंदर आने लगती है ना लॉर्ड बुद्धा की, जो मैंने अभी तक सबको नोटिस किया है, बहुत कामनेस आ जाती है आपको, चीजों का फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपको लगता है कि यार हम इन चीजों में फंसे हुए थे जबरदस्ती, कोई मतलब ही नहीं है। जी जी नहीं मैम, मैं ये पूछ रही हूं कि क्या इसको पहनना जरूरी है कि इसके बिना भी काम? ये तो मैंने पहना है, मैं तो कभी पहनती हूँ कभी नहीं, अपने दिख गई सामने पहन ली, अच्छा लगा तो पहन लिया। मैम मैं एक ये पहनती हूँ ना, ये वाला रुद्राक्ष का, उसमें भी स्फटिक है। हाँ स्फटिक है और रुद्राक्ष भी है इसमें, तो ये मैंने एनर्जी से देखा था तो ये सही काम कर रहा, अच्छा काम कर रहा था। स्फटिक तो ट्रांसपेरेंट एनर्जी है, एवरीवन कैन। जी जी, और मैम रुद्राक्ष पहन सकते हैं क्या उसके साथ में, मतलब कोई उसकी एक पूरा, उसकी पूरी एक थ्योरी है, उसकी पूरी क्लासेस होती है, ये रुद्राक्ष कौन सा आपके लिए है कौन सा नहीं है। मैम जो ये आता है ना, तो आप आचार्य जी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको सब डिटेल्स दे देंगे। ओके मैम, मैम जो ये पहने हो ना, ये पता नहीं कौन सा, मुझे भी नहीं आइडिया है, तो ये जनरली पहन सकते हैं कि नहीं, ये मैं समझना चाह रही, क्योंकि हम लोग मैरिड लोग हैं। कनेक्ट कीजिए, वो आपको बता। अच्छा अच्छा ठीक है मैम, वो क्रिस्टल्स और इस पे काफी जानकारी भी रखते हैं। जी जी जी, ओके जी, थैंक यू मैम। तो ठीक है, आप लोग देखिए मिलते हैं 3 बजे, जो लोग आ सकते हैं जरूर आए, है ना, 2 महीने की जर्नी है हमारी और साथ में इसको पूरा करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार एवरीवन, नमस्कार, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते, थैंक यू मैम, आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। तीन बजे क्लास चालू होनी है, देख ले।